हेलो स्टूडेंट्स, सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, पेपर 7 की बात हो रही है और आप बच्चों का एग्जाम्स जून या दिसंबर 2022 में है। यही तो इंट्रोडक्शन है आपका और हमारा, है ना। मैं हूं आपका टैक्स फैकल्टी, डायरेक्ट टैक्स फैकल्टी, और आप मेरे ग्रुप 1 के डायरेक्ट टैक्स के स्टूडेंट। सर, आपके सामने ये वॉल्यूम 1 दिख रहा है। हम लोग वॉल्यूम 1 से ही अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। दो वॉल्यूम है मात्र आपके सिलेबस में, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 डायरेक्ट टैक्स। टोटल 3 मेन बुक है जो प्रिंटेड फॉर्म में आपको हमारे यहां से मिलेगी। फिलहाल अभी हम लोगों ने जो हमारी ये नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है आपके एग्जाम्स के लिए, फिलहाल अभी जो हमारे यहां एडमिशन हो रहे हैं और नई रिकॉर्डिंग का आपको जो एक्सेस दिया जा रहा है, उसमें हम वॉल्यूम 1 अभी डिस्पैच कर रहे हैं। आज के इस सेशन में ज्यादा टेक्निकल यानी पढ़ाई से रिलेटेड बातें शायद ना हो, लेकिन हाँ, आपको पूरे सिलेबस, कोर्स, टैक्सेस में आपको कौन से लेवल पे क्या पढ़ना है, इंटर में क्या, फाइनल में क्या, एक आपको ओवरऑल ओवरव्यू दिया जाएगा इस क्लास में। बेसिकली हम किसी चैप्टर के अंदर में टेक्निकल स्टडीज आज नहीं करने वाले हैं। हाँ, आपका कोर्स कंटेंट क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इंस्टीट्यूट का कंटेंट क्या है, हमारी जो मटेरियल्स हैं वो आपको कैसे हेल्प करेंगे, पढ़ाई कैसे करनी है, रिवीजन के लिए हम क्या हेल्प करेंगे, वो सारी बातें आपको इसमें बताई जाएंगी, राइट। एक चीज कंफर्म्ड है कि आप हमारे यहां जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं और आपका एग्जाम्स 2022 में है, अब चाहे जून अटेम्प्ट हो या दिसंबर अटेम्प्ट हो, से आप अपना एग्जाम्स 2023 में शिफ्ट करते हैं किसी रीजन से। अभी आप प्लान कर रहे हैं कि आपका एग्जाम दिसंबर 2022 का है, लेकिन आप किसी कारण से अपना एग्जाम शिफ्ट करते हैं, तो उसके लिए भी क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर आप 2023 में एग्जाम देते हैं, तो वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि आप में से कोई बच्चा अभी इस क्लास को देख रहा हो जो 2023 के बारे में सोचे, जून और नहीं तो दिसंबर, चाहे आपका एक ग्रुप हो या बोथ ग्रुप। ठीक है, ये हो सकता है कि हाँ, आप जून के लिए प्लानिंग कर रहे हो और आप किसी कारण से तैयारी आपकी ना हो पाए, तो आप उसको दिसंबर में शिफ्ट करेंगे, ऐसा हो सकता है। 2023 इज समथिंग एक्सेप्शनल सिचुएशंस, राइट, उसकी भी बात इस वीडियो में कर लेंगे, राइट। प्लस ये जो अभी यू नो ऑफलाइन ऑनलाइन का इश्यूज है, तो ये बात आप अभी से दिमाग में रख लीजिए कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, जो हमारी इंस्टीट्यूट्स हैं, कितने भी हम इसकी बुराई कर लें और इंस्टीट्यूट कितना भी अच्छा और कितना भी खराब पैटर्न लेके आए, इंस्टीट्यूट आपका एग्जाम ऑनलाइन ही लेगी। ये बात 2020 से ही क्लियर है। वो अलग बात है कि बीच बीच में यू नो टकराव होता है इंस्टीट्यूट की मिसमैनेजमेंट के कारण, इंस्टीट्यूट की थोड़ी सी खराब पॉलिसीज के कारण और इंस्टीट्यूट के थोड़े से यू नो खराब यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर और यू कैन से अरेंजमेंट, खराब अरेंजमेंट के कारण बीच बीच में ऐसा होता है कि बात आती है कि नहीं ऑफलाइन एग्जाम इज बेटर, लेकिन नहीं, इंस्टीट्यूट मतलब 100% मन बना चुकी है कि कितनी भी मुश्किलें हो, एग्जाम की डेट शिफ्ट हो जाए, एग्जाम कैंसिल हो जाए, बच्चों का एग्जाम खराब जाए, बच्चे चिटिंग करें, रिजल्ट अच्छा हो रिजल्ट खराब हो, लेना ऑनलाइन एग्जाम से है। तो आप शुरू से ही एक माइंड मेकअप करके चलिए कि आपका एग्जाम ऑनलाइन ही होगा। उसके लिए कुछ नहीं करना है, ओवर अ पीरियड आपको धीरे धीरे यू नो मान लो आप यू नो मोबाइल पे मेरी ये क्लासेस देख रहे हैं अभी फिलहाल से, देखो जब आप लैपटॉप और डेस्कटॉप पे क्लासेस देख रहे हैं तो आपके पास कीबोर्ड है, आप आराम से कंप्यूटर पे कंफर्टेबल टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू से ही कर सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन से आप मेरे क्लास को मोबाइल के थ्रू देख रहे हैं, तो उस केस में आप प्लान करिए अगले 2-3 महीने में कि आप कहीं ना कहीं आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप का एक्सेस हो जाए और आप कीबोर्ड पे प्रैक्टिस कर सके टाइपिंग की, लिखने की। ये स्किल्स ओवर अ पीरियड आपको डेवलप करनी पड़ेगी, राइट। चाहे आप 2022 में जून में एग्जाम दें या दिसंबर में, देखो इंस्टीट्यूट का फैसला अब आगे जो भी हो, कहा जा रहा है कि नो इंस्टीट्यूट को प्रेशर डाल के हम लोग ऑफलाइन मोड में जैसे बाकी प्रोफेशनल एग्जाम्स चल रहे हैं या पहले जैसे चलता था वैसे ले आएंगे, बट ऐसा नहीं लगता है नियर फ्यूचर में इंस्टीट्यूट करेगी।
2020 से ही इंस्टीट्यूट ने फैसला कर रखा है कि हमने अब फिजिकल एग्जाम्स को कंटिन्यू करना ही नहीं है, चाहे सिचुएशन जैसे भी हो। और सिचुएशन बहुत खराब खराब आई, जिसमें बच्चों को काफी दिक्कतें हुई, फिर भी इंस्टीट्यूट ने अपने इस डिसीजन को चेंज नहीं किया है। तो मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप टाइपिंग की प्रैक्टिस अगर नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दो, और बाकी जो क्लास की प्रिपरेशन है उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। क्लास में जो हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने के बाद क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, सॉल्यूशंस का डिस्कशन करेंगे, फॉर्मेट का डिस्कशन करेंगे, वर्किंग नोट्स, काफी कुछ डिस्कशन होगा ओवर अ पीरियड क्लास में। अब एग्जाम में आपके एमसीक्यूज हो, आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट्स वाले थ्योरी क्वेश्चन हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, वो एग्जाम्स के मोड को तो लास्ट में प्रैक्टिस करने वाली बात है, बाकी तैयारी जो हमारी चलेगी उसमें इसकी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। आप ऑनलाइन मान के चलो, आप अगर बच्चे सोचते हो कि ऑफलाइन एग्जाम होगा आगे तो ऑफलाइन मान के चलो, मेरी पढ़ाने के तरीके में कहीं कोई बदलाव नहीं होगा, पूरी डिलीवरी 100% जाएगी। आप चाहे एग्जाम्स किसी भी तरीके से दो और कैसे भी क्वेश्चंस हो वो बनेंगे, ठीक है। मतलब कोर्स का डिजाइन, बुक्स, पढ़ाने का तरीका इस तरीके से डेवलप्ड है कि एग्जाम का कोई भी तरीका हो और एग्जाम का पैटर्न में कोई भी क्वेश्चंस हो आपसे वो बनेंगे, इतनी डिटेल्ड स्टडी करेंगे। और ऐसे भी आप रेगुलर बैच में हैं, इट इज नॉट अ फास्ट ट्रैक बैच और इट इज नॉट अ रिविजनरी बैच, अराउंड 200 से 220 घंटे का सिलेबस है। सीएमए इंटरमीडिएट डायरेक्ट टैक्स पेपर 7, राइट, ये रेगुलर बैच है जिसमें कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, फॉर्मेट, सारी प्रैक्टिस आपको कराई जाएंगी और डिटेल्ड में कराई जाएंगी। और क्लास का मतलब जैसे काफी वैरायटी ऑफ क्लासेस मार्केट में मिलती हैं, कोई 100 घंटे की भी क्लासेस दे रहे हैं, कोई 160 घंटे की भी क्लासेस दे रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि 140 से 160 घंटे में हम कोर्स को कंप्लीट कर देंगे। हमारे यहाँ अराउंड आपका 200 घंटे के आसपास का मिनिमम क्लास जाएगा, 220 तक भी जा सकता है। सर हम क्लासेस में डिटेल्ड आपको टाइम देंगे, हर चैप्टर में देंगे, शुरू में भी ज्यादा देंगे और मिडिल में भी ज्यादा देंगे और लास्ट में भी ज्यादा देंगे। ऐसा नहीं होगा कि शुरू में हम धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ाएंगे और बाद में स्पीड से पढ़ाएंगे कि बाद के चैप्टर्स आपको कुछ समझ में ना आए, ऐसा नहीं होगा। बैलेंस करके आपको पूरे चैप्टर्स और पूरे कोर्स को शुरू से अंत तक पढ़ाया जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक। आज की क्लास में यही सब आपको बताऊंगा, वॉल्यूम्स, चैप्टर्स, नोट्स, हमारी तरफ से क्या क्या मिलने वाला है, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाएं। और मैं फिर से कह रहा हूं, जो बच्चे YouTube पे इस क्लास को देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा ये हमारे डायरेक्ट टेक्स्ट बैच इंटरमीडिएट स्टूडेंट CMA का ये पहला क्लास है और इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज मैं नहीं दे रहा हूं, ठीक, कि आज कुछ टैक्स कॉम्प्यूटेशन सीखेंगे हम लोग, टैक्स का कोई फॉर्मेट सीखेंगे, ऐसा नहीं है। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन की क्लास है और ये देखनी और अटेंड करनी जरूरी है, अदरवाइज आगे की क्लासेस समझ में नहीं आएगी। अगर मान लीजिए आप डेमो ले रहे हो, आपका 2022 में एग्जाम से और आप इस क्लास को एज ए डेमो देख रहे हो फर्स्ट लेक्चर, तो आपको आगे के 3-4 लेक्चर्स भी देखने हैं और बिना इसके अगर आगे के लेक्चर्स देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं इस क्लास को सॉफ्टवेयर के थ्रू देख रहे हैं, देखो, और जो बच्चे यूट्यूब पे इस लेक्चर को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाओ तो वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको जरूर ज्वाइन करो। टीम के कॉन्टेक्ट डिटेल्स होंगे, टीम को अप्रोच करके इस क्लास को सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल पे इस क्लास को एज अ डेमो लेक्चर चलवाओ, टीम को अप्रोच करो। आप रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन बोल के आप टीम को अप्रोच करो, एक टोकन अमाउंट जमा करवाओ, ठीक है। देखो यूट्यूब पे तो काफी सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, उसी से आप व्यू कर लो, जज कर लो कि आपको क्लास लेनी है या नहीं लेनी है। काफी सारे चैप्टर्स की शुरू की दो तीन लेक्चर्स अराउंड 200 लेक्चर्स यूट्यूब में हैं, किसी को भी आप देख के जज कर सकते हो। बट सिंस यू आर अ न्यू स्टूडेंट, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट डायरेक्ट टैक्स, आप एक नए स्टूडेंट हैं, पहली बार इंटर लेवल पे डायरेक्ट टैक्स पेपर पढ़ रहे हैं, तो मेरा तो यही सजेशन होगा कि आप टीम से कॉन्टेक्ट करें, टीम को अप्रोच करें, उनसे इन क्लासेस को सॉफ्टवेयर की हेल्प से अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल पे देखो, तभी आप एक आइडिया फ्रेम कर पाओगे कि आपको हमारे यहां क्लास लेनी है या नहीं। और कम से कम 4 या 5 डेमो लेक्चर्स लो। पहला लेक्चर में मैं ज्यादा एक पढ़ाने का मेरा जो भी एक्सपीरियंस हो, ठीक, 10 से 12 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, वो जो भी हो, लेकिन एक होता नहीं कि सर पहली क्लास में ही वो वाली बात आ गई कि बच्चा एकदम बोल रहा है कि आई एम 100% श्योर कि मैं इसी सर से क्लास लूंगा, तो वो मेरी इमेज नहीं बनती है पहले लेक्चर में, ये मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूं।
तो इसीलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ही है कि जो बच्चे डेमो में इस क्लास को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 3 से 4 क्लास डेमो कंटिन्यू करें और तब डिसाइड करें कि क्लास लेनी है या नहीं, ठीक। और ऐसे भी आज कोई टेक्निकल बात तो होनी नहीं है। सर, सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 पेपर 7 डायरेक्ट टेक्स्ट 100 मार्क्स का ये पेपर है, राइट। आपका एग्जाम्स, अच्छा एक अलग से एक सेपरेट कॉपी रखनी है डायरेक्ट टेक्स्ट की, अराउंड 300 से 400 पेज की जो स्पाइरल वाली कॉपी आती है, छोटी कॉपी पतली कॉपी न मेंटेन कीजिएगा, काफी कुछ क्लास में लिखाया जाएगा, है ना। और स्टैंडर्ड एक जो रजिस्टर, ज्यादा मोटा नहीं ज्यादा पतला नहीं, अराउंड 300 पेज का एक रजिस्टर इसका अलग से डेडिकेटेड बना लीजिएगा। आज नहीं आपके पास कोई बात नहीं, अगली क्लास में आप कर लीजिए, ठीक। आप क्लास को टाइम पास की तरह ना देखना, भले ये डेमो क्लास हो, मतलब फुल फोकस, जैसे आप फेस टू फेस क्लास में रहते हैं और पूरा फोकस्ड होकर क्लास को सुनते हैं बिना डिस्टर्बेंस के, वैसे ही आपको अपने घर पे इस क्लास को देखना। ये नहीं कि डेमो लेक्चर और पहला लेक्चर है तो आप इसको बस में या मेट्रो में काफी भीड़ भाड़ वाले इलाके में और घर में एकदम गपशप का माहौल है, टीवी वगैरह चल रहा है, पढ़ाई का मन नहीं है, फिर भी आपने इस क्लास को चला लिया है टू डिसाइड वेदर क्लास लेनी है या नहीं, ऐसा काम नहीं करेंगे। मतलब जितने भी घंटे का ये लेक्चर हो, 1 घंटे का 2 घंटे का, प्रॉपर फोकस के साथ, मतलब अगर आप रूम में या लाइब्रेरी में इस क्लास को देख रहे हैं तो आप मान के चले कि अगले 2 घंटे तक आप डिस्टर्ब नहीं है, कोई भी डिस्टर्बेंस आपको ना हो अगले 2 घंटे तक, फोकस्ड होके जब आप पढ़ेंगे तो चीजें अपने आप समझ में आएंगी। वैसे आज समझने को कुछ है नहीं, फिर भी एक डिसिप्लिन वे में, आप जैसे मान लो मेरी फेस टू फेस क्लास होती है, आप मेरे क्लासरूम में आते पढ़ने के लिए, डिसिप्लिन वे में पढ़ते वैसे ही पढ़िए, ठीक है। मोबाइल का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, घर वाले कोई डिस्टर्बेंस ना कर रहे हो, आज पास कोई डिस्टर्बेंस वाली साउंड आ रही हो तो आप थोड़ा सा उसको नॉर्मलाइज कीजिए या अपने रूम को बंद कीजिए, इस तरीके का काम तो आपको करना पड़ेगा। और बाकी मैं आगे आने वाली क्लासेस में ऐसे काफी सारे इंस्ट्रक्शंस दूंगा जिसमें आप अपना कंफर्टेबल हो जाएंगे, ठीक। आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी कि सर का फेस टू फेस क्लास होता तो बेटर होता या सर की लाइव क्लास होती तो बेटर होती, फेस टू फेस क्लास नहीं है, अपनी लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास। जैसे जैसे क्लास रिकॉर्ड होती जाएगी आपको गूगल ड्राइव के थ्रू उसका एक्सेस मिलेगा, जिसको आप अपने मोबाइल डेस्कटॉप या लैपटॉप में देखेंगे। सर ये तो कैसे क्लास, तो उसके लिए तो मैंने बोला कि टीम के टच में आओ, जो बच्चे ऑलरेडी टीम के टच में है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू इस क्लास को देख रहे हैं और आप टीम के टच में है, जो बच्चे टीम के टच में नहीं है यूट्यूब पे इस लेक्चर को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दे रखा है टीम का, ठीक। दिल्ली में लक्ष्मीनगर ऑफिस है, टीम वहां बैठती है, डायरेक्ट आपको हेल्प करेगी हर तरीके का, ठीक है। सर आप बच्चों का एग्जाम्स जून या दिसंबर 2022 में, राइट, तो क्या प्लान हो सकता है बेसिकली आपका। चलिए जून 22 बातें कर लें कुछ, दिसंबर 22 क्या सिचुएशन बन सकती है सर आपकी, अभी जो स्टेटस है उसके हिसाब से एक सिचुएशन बन सकते कि सर हम तो जून 22 में कभी देने का सोच ही नहीं रहे, हम तो सीधा दिसंबर 2022 में बोथ ग्रुप देंगे, एक ये सिचुएशन बनती है। बोला नहीं सर, मैं तो काफी पहले से मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है और मैं जून में ही बोथ ग्रुप का प्लान कर रहा हूं। चलो सर आप जून में ही बोथ ग्रुप का प्लान करो, कोई दिक्कत नहीं। सर ये जिस कोर्स के लिए आप हमारे यहां रजिस्टर्ड हुए हैं और जो बुक मैंने आपको सामने में दिखाई, 19th एडिशन की बुक सीएमए इंटरमीडिएट लेवल असेसमेंट ईयर 22-23, आपका एग्जाम जून में हो या दिसंबर में हो, सेम कोर्स सेम सिलेबस सेम लेक्चर सेम असेसमेंट ईयर सेम एडिशन सेम लेक्चर सेम क्लास, कहीं कोई बदलाव नहीं है। जो भी पढ़ाई अभी आप जून अटेम्प्ट के लिए करेंगे वही सेम दिसंबर अटेम्प्ट के लिए भी काम आएगी। अगर आप बोथ ग्रुप दिसंबर में दे रहे हैं तो भी अच्छा, बोथ ग्रुप जून में दे रहे हैं तो भी अच्छा। बोला नहीं सर हम तो तीसरी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो चलिए एक तीसरी और लास्ट कैटेगरी। बोला सर हम फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं जून में और सब कुछ सही रहा तो सेकेंड ग्रुप दे देंगे दिसंबर में, ठीक है। मैं तो क्या तो इसके फेवर में हूं और या फिर इसके फेवर में हूं, बोथ ग्रुप क्या तो आप जून में दीजिए और नहीं तो बोथ ग्रुप आप दिसंबर में दीजिए, मैं इन दोनों के फेवर में रहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आप बच्चे पहले अपने 8 पेपर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो पेपर है 8 पेपर उसकी आप सारी क्लासेस खत्म कर लो,
एक बार जब आपको सिलेबस का आइडिया हो जाए कि कितना सिलेबस आपने पढ़ा अब तक, क्या है 8 पेपर में, और अब इसकी तैयारी और रिवीजन कैसे करेंगे, और उसके हिसाब से आप जून या दिसंबर प्लान करो। देखो ये जो बच्चे हैं, जो बच्चे बोलते हैं हम जून में देंगे एक ग्रुप और दिसंबर में देंगे दूसरा ग्रुप, ठीक है, ये बच्चे कहीं ना कहीं 8 से 9 महीने रख लेते हैं ग्रुप वन के लिए, और फिर ग्रुप वन का एग्जाम देने के बाद अराउंड वो 4 से 5 5 महीने इफेक्टिवली, क्योंकि एग्जाम देने के बाद फिर थोड़ा सा आप छुट्टी मनाएंगे और उसके बाद फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। खुद ही देखिए ना, खुद ही देखिए, आपने जैसे भी कैलकुलेशन की है, आप शुरू में 8 से 9 महीने देना चाहते हैं किसको, कि सर मैं जून 22 में ग्रुप वन का एग्जाम दूंगा, और फिर 4 5 महीने में ही आप बोलते हैं आई एम ऑल्सो एलिजिबल फॉर ग्रुप 2, जो कि पॉसिबल नहीं है, है ना। बच्चे बच्चे बोलते हैं सर हमारा 10th और 12th में स्कोर अच्छा नहीं था, फाउंडेशन में भी स्कोर अच्छा नहीं था, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, मैं कैसे दूंगा बोथ ग्रुप, मैं तो एक एक ग्रुप करके दूंगा। ठीक है, एग्री कि तुम्हारे अच्छे स्कोर नहीं थे 10th 12th में, राइट, तुम्हारे फाउंडेशन में भी अच्छे स्कोर नहीं थे, तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, एग्री। लेकिन एक बात बताओ, तुम अगर एवरेज स्टूडेंट हो, है ना, तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं है, तुम बोथ ग्रुप मैनेज नहीं कर पाओगे, तो तुम ये कैसे मैनेज करोगे कि 8 9 महीने में तुम ग्रुप वन की तैयारी करोगे और बैलेंस फिर आगे 5 महीने में तुम ग्रुप टू की तैयारी, मतलब ग्रुप टू की क्लासेस भी ले लोगे, कोर्स भी कंप्लीट कर लोगे, उसको रिविजन भी कर लोगे और तुम एग्जाम भी दे दोगे। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, बिलो द स्टैंडर्ड स्टूडेंट हैं, आपने बहुत मुश्किल से 10th और 12th निकाला है, फाउंडेशन में भी आपके स्कोर कम है, तब तो आपको जो अगला ग्रुप है वो तो अगले साल जून 23 में देना चाहिए ना, तभी तो जस्टिफिकेशन होगा आपका। और नहीं तो फिर क्या, तो आप पहले में जाइए और या दूसरे में। सर जून में एग्जाम दे रहा हूं लेकिन बोथ ग्रुप कैसे दूंगा, तो आप एक बार रीथिंक कीजिए और भले 6 महीना शिफ्ट करना पड़े, आप बोथ ग्रुप दिसंबर में जाइए। बोथ ग्रुप देने के कुछ फायदे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके ये जो ट्यूशन और लेके क्लास जो खत्म करने का चक्कर होता है वो सारा एक झटके में खत्म हो जाता है। एक एक ग्रुप करने में क्या होता है, पहले पढ़ाई करते हैं फिर एग्जाम देते हैं फिर पढ़ाई करते हैं फिर एग्जाम्स, और बीच में वो रिजल्ट आ जाता है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो प्रेशर डाल देता है। जब आप बोथ ग्रुप के लिए फोकस करते हैं, ठीक है, देखो अपनी अपनी कैपेबिलिटी को आपको खुद जज करना पड़ेगा, लेकिन देखिए ग्रुप वन देना जून में और दूसरा ग्रुप देना दिसंबर में, आप टाइम देखिए जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं ना, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप खुद सोचिए ना, 8 से 9 महीने ले लेंगे आप फर्स्ट ग्रुप के लिए और फिर आगे 5 महीने में आप ग्रुप टू भी दे देंगे, जबकि 4 4 पेपर 400 400 के दोनों ग्रुप है, कैसे करेंगे। तो ये अपने आप को धोखा देने वाला सिचुएशन है, आप अपने पोटेंशियल को रिकैलकुलेट कीजिए। और बिना पढ़े आप कैसे जज करेंगे, पास्ट इज पास्ट, 10th को छोड़ दीजिए, 12th को छोड़ दीजिए, फाउंडेशन को छोड़ दीजिए, जब तक आप ग्रुप वन और ग्रुप टू के सिलेबस को देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, आप कैसे जज कर पाएंगे कि आप कैपेबल हैं या नहीं बोथ के लिए। जून या दिसंबर बोथ के लिए कैपेबल है या नहीं है, उसके लिए तो आपको पहले सारा कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा ना। बोथ में क्या फायदे हो सकते हैं, अटेम्प्ट तो आपका लूज हो ही नहीं रहा, आप एक एक ग्रुप करके भी देंगे तो दिसंबर में ही दूसरा ग्रुप देंगे और ऐसे बोथ देंगे तो दिसंबर में ही है से। लेकिन बोथ का फायदा क्या है, क्लासेस लेने की झंझट एक बार में खत्म होती है, उसके बाद बचता है सेल्फ स्टडी रिवीजन, सेल्फ स्टडी रिवीजन, और आप किसी से भी डिस्कशन कर लीजिए, आप कहीं भी किसी भी टीचर्स किसी भी फैकल्टी किसी भी कोचिंग सेंटर में ऑल इंडिया किसी भी तरीके से क्लास ले लीजिए, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे रिवीजन नहीं करेंगे आप पास नहीं करेंगे, यानी क्लासेस के बाद सेल्फ स्टडी भी जरूरी है, और एक रिजनेबल टाइम तो आप सेल्फ स्टडी को देंगे, है ना। सर बोथ ग्रुप का जो दूसरा फायदा, एक तो क्लास का चक्कर खत्म हो जाता है बोथ ग्रुप डिसाइड करने के बाद, जो दूसरा फायदा है वो है कि रैंक, जो बच्चा बोथ ग्रुप एक साथ क्रैक करता है उसी को रैंक आने के चांसेस होते हैं इंटर या फाइनल में, और वो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है कि आपको रैंक आया, आप क्राउड से अलग हो जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। मुझे भी रैंक था फाउंडेशन में, राइट, और वो आज तक मुझे एक स्पेशल कैरेक्टर देता है कि आई वॉज द रैंक होल्डर, आज तक, मतलब मैं 2001 और अभी चल रहा है 2021-22, 20-21 साल के बाद भी वो मुझे एक इंपॉर्टेंस दे रहा है आज तक अपनी प्रोफेशनल जर्नी में कि आई वॉज द रैंक होल्डर इन माई सी ए कोर्स,
है ना, तो उस रैंक की वैल्यू आगे 20-25 साल तक चलेगी, और उसके लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। और एक सेट ऑफ का भी होता है, ठीक है, सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट होता है, दूसरा रैंक का कॉन्सेप्ट होता है। एक तो क्लासेस, बोथ ग्रुप अगर आप एपियर करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि बोथ ग्रुप ही दो, रीथिंक। आप बच्चे ये प्लान कर रहे थे कि ग्रुप वन मैं दूंगा जून में और सेकंड ग्रुप दूंगा दिसंबर में, तो ग्रुप टू में 5 महीने में तैयारी कैसे कर लोगे? ये तो आप खुद सोचोगे ना, रॉकेट साइंस है। किसी ने बोला है कि ग्रुप टू इजी है? ग्रुप टू में कम पढ़ना है ना सर। बोथ ग्रुप के एडवांटेज, बोथ ग्रुप जब आप देते हो तो उसके एडवांटेज क्या है? एक तो क्लासेस सारी फिनिश हो गई आपकी एक बार में, 8 पेपर की, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडीज एंड रिवीजन पे अच्छे तरीके से फोकस कर सकते हो बिना क्लासेस का चक्कर रखे। दूसरा, रैंक आने के चांसेस होते हैं, और वो एक लाइफ टाइम रिकॉग्निशन होती है, लाइफ टाइम रिकॉग्निशन एज ए स्टूडेंट। जब आप इस प्रोफेशनल कोर्स में रैंक लाते हो तो उसकी वैल्यू लॉन्ग टाइम होती है, समझिए कि जब तक आप प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं। मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जब तक अपने आप को इंट्रोड्यूस करता रहूंगा लोगों के सामने, तब तब वो रैंक मेरे साथ चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब से 5 साल 10 साल के बाद मैं अपने आप को सीए कहना छोड़ दूं, चाहे मैं से जॉब में रहूं या स्टिचिंग में ही रहूं, लेकिन मैं अपने आप को सीए कहना छोड़ दूं तो ही रैंक की वैल्यू जाएगी, अदरवाइज ये रैंक की वैल्यू साथ में चलेगी, और वो रैंक बोथ ग्रुप क्लियर करने से ही आता है। सर मैं भी कोई मैं भी कोई एकेडमिकली बहुत ही अच्छा और साउंड स्टूडेंट नहीं था 10th 12th में, लेकिन फिर भी मेरे सीए के कोर्स में रैंक आए। मैंने तो सीपीए भी कर रखा है यूएस का। तो आपका ये पास्ट डिसाइड नहीं करता है कि आपको रैंक आएगा नहीं आएगा, प्रेजेंट प्लानिंग क्या कहती है, ठीक है। मैं तो कहने को ये भी कह सकता था ना कि जिन बच्चों के 70% मार्क्स हैं सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में, प्लीज वो रैंक की तैयारी ना करें, एक एक ग्रुप करके दें, मैं तो ये भी कह सकता था। लेकिन नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनके अच्छे परसेंटेज हैं 10th 12th में वही रैंक लाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। और तीसरा जो फायदा होता है वो सेट ऑफ का। अब वो सेट ऑफ का फायदा क्या होता है? ग्रुप वन और ग्रुप टू 400 मार्क्स के दोनों ग्रुप हैं, ठीक है, 400 मार्क्स के दोनों ग्रुप हैं। पासिंग मार्क्स आपको 200 200 लाना है, लेकिन अगर इसमें मान लो 240 आ रहा है और इसमें 180 आ रहा है, तो टोटल आपको कितने चाहिए थे पास होने के लिए? 400। यहां पे टोटल आपके कितने आ गए? 420। आप पास कर जाएंगे। अगर आप एक एक ग्रुप करके देते हैं तो मिनिमम आपको 400 में 200 स्कोर करना है, 400 में 200 स्कोर करना है, ठीक। लेकिन अगर आप बोथ ग्रुप देते हैं और एक में आपने ज्यादा ले आए, दूसरे में लेकिन कम ही लाए, तो भी आपका एग्रीगेट 400 से ज्यादा बन रहा है, आप बोथ ग्रुप क्लियर हो जाएंगे। मिनिमम आपको 40 मार्क्स इच पेपर में लाने ही लाने हैं। सपोज कीजिए पहले ग्रुप में आया 240, अगले ग्रुप में आया 160, तब भी आप 400 लाके पास हैं। से आपके अगले ग्रुप में 40 40, मिनिमम आपने तैयारी की 40 40 की। ऐसा है नहीं कि कोइंसिडेंस की 40 ही आएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं ये फायदा आपको बोथ ग्रुप देने से मिलेगा। से आप कहते हैं कि बोथ ग्रुप में आपकी तैयारी ना सर एक ग्रुप में अच्छी है दूसरी में कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेट ऑफ का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो ये फायदे होते हैं। तो थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी को देखो, आप आज डायरेक्ट टैक्स की क्लास में हैं और ये पहली क्लास है, यहां पर मैं आपको नो इट इज नॉट टू लेट, सिर्फ आप ये सोचो, देखो अगर आप बोथ ग्रुप जून के लिए हो तो बहुत अच्छी बात, बोथ ग्रुप दिसंबर के लिए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर आप इस थर्ड वाली कैटेगरी में हो तो मैं सिर्फ आपको यही तो कह रहा हूं कि सोचो कि तुम एक ग्रुप की तैयारी के लिए 8 9 महीने ले रहे हो और दूसरे ग्रुप की तैयारी आप 5 महीने में ही कर लोगे। जून और दिसंबर में तो सर 6 महीने का गैप होता है, तो तुमको क्या लगता है कि तुम जून का एग्जाम देके तुरंत क्या दिसंबर की पढ़ाई चालू कर दोगे? नहीं, तुम 10 15 दिन वहां बर्बाद करोगे, इफेक्टिवली वो 5 महीने ही बचते हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि तुम कौन सी जड़ी बूटी ले लोगे जून के बाद, कौन सा बॉर्नविटा और च्यवनप्राश खा लोगे तुम,
तुम में कौन सी सुपर पावर आ जाएगी कि ग्रुप वन में तुम इतना टाइम लेने के बाद ग्रुप टू में तुम कम टाइम लोगे, कौन सा सुपर पावर आएगा? दोनों में ही चार चार पेपर हैं, दोनों ही 400-400 मार्क्स का एग्जाम का प्रेशर तो रहेगा, और बीच में तो रिजल्ट भी आएगा, पास फेल का डर लगा रहेगा। तो मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, मैं तो खाली कह रहा हूं कि तुम्हारे में यहां पर कौन सा सुपर पावर आने वाला है जो तुम बहुत कम टाइम में अगले ग्रुप की तैयारी कर लोगे। क्या तुम्हें किसी ने कहा है कि अगला जो ग्रुप है वो इजी है और तैयारी उसकी करने में आधा टाइम लगता है? तो सर मेरा मानना है कि पहले आठों पेपर को जज करो, सिलेबस देखो। जैसे आप नो पेपर 5, 6, 7 और 8 के लिए टीचर्स का जजमेंट किए, टीचर्स को सेलेक्ट किए, वैसे ही तुम ग्रुप टू के टीचर्स और कोर्स के बारे में पता करो, कौन से पेपर में कौन से टीचर कितने घंटे का टाइम ले रहे हैं, है ना, और उसके हिसाब से पूरा प्लान करो। मान लो अभी तक अब तुम एक ही ग्रुप की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब मेरी इस वीडियो के बाद तुम दूसरे ग्रुप की भी तैयारी करना चाहते हो, तो दूसरे ग्रुप के चार पेपर कौन कौन से हैं, उनके चार फैकल्टी कौन कौन से, आप कहां कहां पढ़ना चाहते हो, वो कितने कितने रुपए लेंगे, उनका कोर्स कितने कितने घंटे का है। तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आप जो दूसरा ग्रुप ऐड करोगे पहले ग्रुप में, तो आपको और कितनी क्लासेस लगानी पड़ेंगी, कोर्स कब कंप्लीट होगा, कितने रुपए आपके खर्च होंगे, उसमें से क्या कुछ सब्जेक्ट आप अपने से पढ़ सकते हो। हर सब्जेक्ट का ट्यूशन लेना तो जरूरी नहीं, एटलीस्ट जब आप बोध ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम दो पेपर तो खुद से ही करो, एक। दूसरा, एक साथ सभी पेपर की क्लासेस मत लो, प्लान करो, चाहे आप एक ग्रुप दो या बोथ ग्रुप दो, जून में दो या दिसंबर में दो, पहले आप ग्रुप वन के सभी पेपर की क्लासेस को कंप्लीट करो एज सून एज पॉसिबल। आपने अभी तक क्या किया, टीचरों को पैसे दे दिए हैं। माना आज मेरी पहली क्लास है, माना मेरी क्लासेस धीरे धीरे करके आपको मिलेंगी, जैसे जैसे रिकॉर्ड होंगी वैसे वैसे मिलेंगी। एडमिशन के टाइम पे आपको टीम ने बोला होगा कब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, नहीं तो आप टीम से डिस्कस कर लो, माना। लेकिन बाकी पेपर की क्लासेस तो आपको मिल चुकी हैं पूरी पूरी। भाई पेपर 7 की क्लासेस आपको आज से स्टार्ट हुई हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि जो बाकी पेपर हैं ग्रुप 1 के, उसके 100% लेक्चर्स का एक्सेस आपको मिल चुका है, उनकी बुक्स मिल चुकी है। लेकिन क्या आपने उस स्पीड से उनकी क्लासेस देखनी शुरू की, पढ़नी शुरू की, कोर्स कंप्लीट करना शुरू किया, कोई टाइमलाइन बनाया आपने कि कब कौन सा पेपर कंप्लीट करना है? फर्स्ट ग्रुप में आपके पास अकाउंट्स भी है, कॉस्टिंग भी है, लॉ भी है, जिसकी मुझे लगता है 100% लेक्चर्स विथ ऑल बुक्स आपको मिल गई होंगी। जो बुक्स नहीं मिली है वो डायरेक्ट टेक्स्ट की, जो क्लासेस नहीं मिली है वो डायरेक्ट टेक्स्ट की। लेकिन क्या आपने उन बाकी पेपर को स्पीड से पढ़ के, डेली एक एक क्लास पढ़ के कोर्स कंप्लीट करने की कुछ प्लानिंग की है? क्या आपने ऐसी कोई प्लानिंग की है कि अगले 3 महीने आप कॉस्टिंग खत्म कर लोगे, अगले 3 महीने में आप अकाउंट्स खत्म कर लोगे, अगले 2 महीने में लॉ खत्म कर लोगे? से लॉ की 200 घंटे की क्लास है, 100 घंटे की हर महीने पढ़ने की कोई प्लानिंग आपने की है? नहीं की है। आपने सिर्फ क्लास परचेज कर ली है। अगर आपने ग्रुप वन के 4 सब्जेक्ट की क्लास परचेज कर ली है या करने वाले हैं, तो प्लीज डेली बेसिस पे 8 से 10 घंटे की वीडियो देखने का रूटीन आपको बनाना पड़ेगा। डेली बेसिस पर 8 से 10 घंटे की वीडियो, ऐसे मान के चलो 2-2 घंटे की चारों सब्जेक्ट की वीडियो डेली देखनी होगी आपको। अपने आप आपका कोर्स अगले 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और मान लो डीटी की वीडियो किसी दिन नहीं मिली, तो मैंने क्या कहा, बाकी टीचर की वीडियो तो आपके पास है, आप उनको देखो मेरी जगह पे। मान लो मेरी डेली वीडियो नहीं मिल रही है, सप्ताह में 4 मिल रही है या 5 मिल रही है, शुरू में 1 महीना क्लास की डिलीवरी थोड़ी स्लो रहेगी, हो सकता है सप्ताह में 3 ही क्लास आए, 4 ही क्लास आए, 1 महीने के बाद आपको डेली क्लासेस मिलनी शुरू होंगी, जो बच्चे शुरू में ही रजिस्टर्ड हो गए क्लास के साथ। ठीक है सर, आपने जब भी हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन लिया हो, टोटल देखो हमारे यहाँ से कितनी क्लासेस मिली हैं, बाकी टीचर से कितनी कितनी क्लासेस मिल गई हैं, टोटल उसमें आवर्स देखो, और फिर अपनी प्लानिंग बनाओ कि कब कौन से टीचर का कोर्स, कब कौन सा सब्जेक्ट टॉपिक चैप्टर कब कौन सा खत्म करना है, प्लानिंग बनाओ। मान लो अकाउंट्स के 5 चैप्टर की क्लास मिल गई और वो टोटल 30 घंटे की क्लासेस है, 30, तो एक 15 दिन की प्लानिंग होनी चाहिए ना कि अगले 15 दिन में मुझे 30 घंटे के लेक्चर देख के वो 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। बस
इतनी छोटी सी प्लानिंग आपको घर पे करनी है तो आराम से आप बोध ग्रुप की प्रिपरेशन भी कर लोगे और या फिर अपने एक ग्रुप को जल्दी कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। ऐसा कीजिए ना, आप एक असेसमेंट कीजिए खुद की कि आपने पिछले एक महीने में, मैंने आज बताया ये सब बातें, तो आप एक असेसमेंट कीजिए कि आपने किस टीचर की क्लास कब से देखनी शुरू की और पिछले एक महीने में आपने टोटल कितने आवर्स की क्लास देखी और एवरेज देखिए कितना आउटपुट निकल रहा है। कम से कम 6 घंटे डेली का तो आउटपुट निकालोगे। देखो, अगर आप कम से कम 6 घंटा डेली वीडियो देखने का आउटपुट निकाल रहे हो तो आप एक ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, और आप कम से कम डेली 8 से 9 घंटे की वीडियो देख रहे हो चारों टीचरों की मिला के, तो आप बोध ग्रुप की तैयारी का मन बना चुके हो। यू आर अ गुड स्टूडेंट, नॉट अ एवरेज, नॉट अ बिलो स्टैंडर्ड स्टूडेंट, मेरा तो ये मानना है, ठीक है। तो बोध ग्रुप की तैयारी की स्ट्रैटेजी अलग होती है, जो मैंने अभी इतनी देर से कही। बोध ग्रुप के एडवांटेज अपने हैं, और सर फेल तो फर्स्ट ग्रुप देके भी हो सकते हैं। जहां तक फेल और पास की बात है तो फेल तो बोथ ग्रुप वाले बच्चे भी करते हैं और फेल तो एक ग्रुप वाले स्टूडेंट भी करते हैं। कौन सा एक ग्रुप का 100% रिजल्ट है? और जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप जज कैसे करोगे, ठीक। क्लासेस एक होता है कि सर हम बोथ ग्रुप का प्रेशर ले ही नहीं पाएंगे, तो हमने कब कहा कि 8 पेपर को एक साथ पढ़ो। आप 4 पेपर पहले खत्म करो, फिर जब 4 पेपर की क्लासेस लोगे तो पहले 4 पेपर का रिविजन करते रहना, अपने आप आपका बर्डन खत्म। हमने कब कहा कि आप एक साथ 8 टीचर की क्लास परचेज करके अपने ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन ले लो? हमने तो कभी नहीं कहा। आप आराम से जैसे जैसे पैसे आते हैं आपके पास वैसे वैसे टीचरों की क्लास परचेज करके क्लास खत्म करते चलो। से आपके पास 6,000 रुपए है और आपने अकाउंट्स की क्लास परचेज कर ली और आपको 100% क्लास का एक्सेस भी मिल गया है, तो उसको 1.5 मंथ में देख के खत्म करो। फिर 5-6 हजार की अरेंजमेंट हो गई तो आपने लॉ और कॉस्टिंग की क्लास परचेज कर ली, उसको 2 महीने में देख के खत्म करो। ऐसे करके आप प्लानिंग करो तो सही, और होगा क्यों नहीं होगा। नोट कीजिए, थोड़ी सी बातें यहां पर आपके लिए हैं। और ऐसे ही मैंने क्या कहा, आज मैं कोई टेक्निकल बात नहीं बताने वाला, टेक्निकल पढ़ाई नहीं पढ़ाने वाला, लेकिन हाँ एक दो क्लास में जो आपके बेसिक जो ये माया जाल है कि कैसे हम पढ़ाई करें, फाउंडेशन तो चलो हो गया, फाउंडेशन में तो इंस्टीट्यूट 80% रिजल्ट देती है। सीएमए फाउंडेशन का रिजल्ट इंस्टीट्यूट का 80-85% पासिंग परसेंटेज है, जो घट के 20-25% पे आ जाता है इंटर लेवल पे। क्यों और कैसे? जो बच्चा फाउंडेशन क्लियर कर ले रहा है वो इंटर क्यों नहीं क्लियर कर ले रहा है? यही मिस प्लानिंग के कारण, वो अच्छे से प्लान नहीं कर पा रहा है। क्लासेस तो उसने परचेज कर ली लेकिन उसको देख नहीं रहा है। क्लासेस परचेज कर ली, देख भी रहा है लेकिन प्लान्ड वे में नहीं देख रहा है, टारगेट के साथ नहीं देख रहा है। तो वही टारगेट सब मैं आज थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं और आगे भी बताऊंगा जैसे जैसे मैं अपने नए चैप्टर में जाता जाऊंगा। एक दो क्लास सिर्फ आपसे नॉर्मल बातें होनी है, इसीलिए मैंने बोला अगर जो बच्चे डेमो में है वो कम से कम 4 से 5 क्लासेस डेमो कंटिन्यू करें, ताकि जो आगे मेरी डिलीवरी होगी टेक्निकल उसमें भी आप देख सके कि मैं कैसे डिलीवरी देता हूं। और नहीं तो यूट्यूब पे कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, हाउस प्रॉपर्टी की शुरू की 2-3 क्लासेस हैं, कैपिटल गेन की शुरू की 2-3 क्लासेस हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस की क्लासेस हैं, सैलरी की क्लासेस हैं, हर चैप्टर की शुरू की 2-3 लेक्चर तो यूट्यूब पे अवेलेबल है। कहीं भी आप एज ए डेमो क्लास चला लीजिए, पिछले बैच की है, पुराने असेसमेंट ईयर की है, आपका असेसमेंट ईयर 22-23 है, आपकी बुक 19th एडिशन है और आपका एग्जाम जून-दिसंबर 2022 में, यही तो है। लिखिए इसको थोड़ा सा,
डन लिखा आप लोगों ने, और सर जब मैं बोलूं डन लिखा आप लोगों ने और आपको लगता है कि नहीं लिखा है तो तुरंत आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, हालांकि इसमें लिखने के लिए कुछ भी नहीं है। सर क्या होगा अगर हम अपना एग्जाम 2023 में देंगे? सी वी आर प्लानिंग फॉर बोथ ग्रुप दिसंबर 2022 और हमारी प्रिपरेशन नहीं हो पाई और वी आर प्लानिंग फॉर जून 2023, तो उसकी बात भी आगे बताऊंगा, जब कोर्स की बात बताऊंगा, बुक्स की बात बताऊंगा, तो आपको बताऊंगा क्या होगा अगर आप जून 23 में एग्जाम देंगे इसी कोर्स इसी क्लास के साथ, बताएंगे, है ना। लिखिए इसको, ये मॉडल है, आप किस मॉडल में है। यहां पर मैं आप लोगों से एक मैसेज एक्सपेक्ट करूंगा, जो हमारे यहां रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी टीम से जुड़े हुए हैं, राइट, जो हमारे यहां रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, टीम से जुड़े हुए हैं, टीम से कांटेक्ट करके मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए, सर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दीजिए सर से, सर को टास्क कंप्लीट करके देना है, सर ने हमें पहली क्लास में टास्क दिया है और वो टास्क कंप्लीट करके देना है। टास्क क्या है देखिए, कोई भी जनरल जो क्वेरी होगी सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्लास और नोट्स से रिलेटेड, वो सब टीम से कीजिएगा, ठीक है। टीम व्हाट्सएप नंबर देगी, ठीक है, इसका यह मतलब नहीं कि आप कुछ भी पूछते रहिएगा जिसके लिए टीम अवेलेबल है, मतलब आपका कोई काम नहीं हो रहा है, कोई क्लास नहीं चल रही है, कोई बुक आपको नहीं मिली है, कोई क्लास का लिंक आपको नहीं मिल रहा, तो वो सब के लिए टीम से ही जुड़े रहिएगा। मुझे सिर्फ, मैं जो जो क्लास के अंदर टास्क दूंगा और अगर पढ़ाते समय कहीं पर कोई डाउट आ रहा है तो उसके लिए मुझे इन्वॉल्व कीजिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि एक लंबा रिलेशनशिप चलेगा हमारा और आपका 200 घंटे की रिलेशनशिप है, और जब किसी पर्पस के लिए टीम है तो वो पर्पस टीम से ही फुलफिल कराइए, टीम से ही बात कीजिए, मुझे इन्वॉल्व ना कीजिए। सर टीम तो सुन ही नहीं रही है, अरे 24 घंटा वेट तो कीजिए, उनको रिमाइंडर दीजिए, दूसरा मैसेज 24 घंटे के बाद ड्रॉप कीजिए। बच्चे क्या करते हैं, टीम को कॉल करते हैं और उसके 5 मिनट के बाद फिर मुझे मैसेज करते हैं, सर टीम ने तो रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। टाइम देना होगा। बेस्ट वे टू अप्रोच टीम इज व्हाट्सएप, टीम का जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है उस पर उनको व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ठीक है, जिस टीम जिस नंबर के थ्रू आपको ये क्लासेस चला के दी गई हैं, उसमें आप उसके साथ टीम से जुड़िए, टीम आपको सारा सॉल्यूशन देगी। और अब टीम से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए कि सूरज सर ने टास्क दिया है उसको कंप्लीट करना है, सर का मैसेज व्हाट्सएप मैसेज नंबर दीजिए, और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज ही करना है, कोई रिमाइंडर मत देना, कोई कॉल नहीं करना, व्हाट्सएप कॉल अलाउ नहीं है, नॉर्मल कॉल अलाउ नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। और मैसेज करने के बाद एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैं 1-1.5 घंटे में आपको रिप्लाई करूं, मुझे भी 1-2 दिन का टाइम दीजिएगा, 24-48 घंटे के अंदर मेरा अपने आप रिप्लाई आपके पास आ जाएगा, अगर रिप्लाई की जरूरत होगी तो। एक होता है वन वे कम्युनिकेशन, मैंने आपको टास्क दिया और आपने वो कंप्लीट कर दिया, खत्म, डोंट एक्सपेक्ट कि मैं उस पर आपको बोलूं वेल डन या ओके एंड वेरी गुड, ये सब एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि एक बार की तो बात है नहीं, हर क्लास में कोई ना कोई टास्क आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब आप कुछ भेजेंगे, मैं फिर वेल डन कहूंगा, मैं कितने बच्चों को वेल डन कहूंगा। तो मैंने जैसे आपको टास्क दिया वन वे कम्युनिकेशन, अब आप उसको व्हाट्सएप के थ्रू मुझे भेज दीजिए, इज अ सेकेंड वे ऑफ कम्युनिकेशन, अगेन वन वे। डोंट एक्सपेक्ट रिप्लाई कि मैं आपको थम्सअप भेज रहा हूं, मैं कोई इमोजी भेज रहा हूं, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने कोई डाउट पूछा है मेरे से क्लास से रिलेटेड तो उसका जवाब अपने आप आएगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 24-48 घंटे का, उसके बाद आप एक रिमाइंडर मैसेज मार दीजिएगा कि सर आपने मेरा डाउट नहीं देखा, मैं आपकी रिप्लाई का वेट कर रहा हूं, बस सिंपल है। और इस तरीके से पूरा बैच कंप्लीट हो जाएगा, कहीं भी कॉल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और आगे मैं बताऊंगा डाउट के तरीके, ऑडियो आप भेज सकते हैं, मैसेज आप टाइप करके मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से, टीम भी बताएगी, मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन ज्यादा डिस्टर्ब ना आपको होना है ना मुझे होना है, और काम अब ऑटोमेटिक मोड में चलना चाहिए। ये नहीं कि आप पैनिक वे में आ चुके हैं और टीम को कॉल कर रहे हैं, टीम ने फोन नहीं उठाया तो आप मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो मुझे कॉल कर रहे हैं, ऐसे पैनिक मोड में नहीं आना है कभी भी आपको, ठीक है। तो सर आपका टास्क क्या है, आपको बताना है, देखिए आप मेरे यहां जुड़ चुके हैं, मेरी क्लासेस परचेज कर चुके हैं, बुक आपको कुरियर हो चुकी है, रजिस्टर्ड स्टूडेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू जो इस क्लास को देख रहे हैं, है ना, लाइव क्लास तो है नहीं कि मैं आपका चैट पढ़ रहा हूं,
और उसमें कितने ही चैट पढ़ते हैं फैकल्टीज, आप भी जानते हैं लाइव सेशन में कितने बच्चे चैट लिखते रहते हैं और कितने ही पढ़े जाते हैं, वो आप भी जानते हैं। सर मेरे में ये जो ऑफलाइन रिकॉर्डेड बैच में आप हैं और इसमें जब आप हमारा व्हाट्सएप नंबर लेके आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो श्योर शॉट आपको रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा, नहीं तो रिमाइंडर की फैसिलिटी है ना। तो लाइव में आपके चैट को आप बार बार भेजते हैं और नहीं पढ़ा जाता है, और यहां पर आप 1-to-1 मेरे टच में हैं, कोई ग्रुप नहीं है, आप एक ग्रुप में जोड़े जाएंगे, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में रखा जाएगा लेकिन उसमें एडमिन राइट्स होंगे, खाली मैं और मेरी टीम ही उसमें मैसेज भेजेंगे। आपको पर्सनल 1-to-1 चैट करना है टीम से, टीम के काम के लिए, और मेरे से मेरे काम के लिए। तो टास्क में क्या भेजना है कि आप कौन सी कैटेगरी में है, 1 में है, 2 में है या 3 में है। सर मैं आपका CMA इंटरमीडिएट का डायरेक्ट टैक्स का स्टूडेंट हूं, मैंने पहली क्लास देखी आपने उसमें पूछा था, तो आपको अपना एक इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है, एक ऐसा इंट्रोडक्शन जो आपके बारे में बता दे कि भाई आपका नाम, ठीक है, और आप फाउंडेशन रूट से आए हैं या ग्रेजुएशन रूट से आए हैं, ठीक है, उसके अलावा आप क्या प्लान कर रहे हैं, जून या दिसंबर, बोथ ग्रुप या एक एक करके ग्रुप, ठीक। उसके बाद थोड़ा बहुत और कि आपने फाउंडेशन एग्जाम दिया था तो वो क्लियर कब किया था, सिंगल एक मैसेज आना चाहिए, ये नहीं कि इस चीज के लिए आप 15 बार मैसेज भेज रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, वन लाइन सेंड ऐसे नहीं करना है, एक सिंगल मैसेज में पूरा आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन विथ दिस मेरे पास आ जाना चाहिए, ठीक है, आ जाएगा सर। एक सिंगल मैसेज में जो एक बार सिंगल आपने सेंड दबाया और मेरे पास पहुंच गया, इंटर और मेरे पास आया, ये नहीं कि आपने 15 लाइनें भेज दी, सेंड, वो व्हाट्सएप चैट में सेटिंग्स चेंज कर लीजिएगा, एक होता है इंटर का मतलब नेक्स्ट लाइन और एक होता है इंटर का मतलब सेंड, तो इंटर का मतलब नेक्स्ट लाइन, वो वाला आप सेटिंग चेंज कर लीजिएगा व्हाट्सएप चैट में जाके, है ना सर। आपको अपना नाम, सिटी, स्टेट भी बताना है, फाउंडेशन रूट से है या ग्रेजुएशन रूट से, फाउंडेशन रूट से है तो कब आपने फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर किया, कितने मार्क्स आए, और आप इंटर में कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं, 1, 2 या 3 वाली, कौन सी प्लानिंग आप कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। बड़े निष्फिक्र होकर एक अच्छा सा मैसेज मुझे भेजिएगा, प्लस कोई की एट्रीब्यूट्स आप में, खासियत, एक अच्छी बात मेरे बारे में तो आप जानेंगे ही जानेंगे ओवर अ पीरियड, जैसे आज की क्लास में आपको पता चल गया कि मैं CA हूं, मैं रैंक होल्डर हूं, मैंने CPA भी कर रखा है, और भी बात आपको पहले से पता होगी, मेरी जब आप बुक में प्रोफाइल पढ़ेंगे तो आपको काफी कुछ मेरे बारे में आपको पता चलेगा, लेकिन आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू एक्सेप्ट कि आप मेरे स्टूडेंट हैं और आप मुझे देख रहे हैं, राइट। तो आपको अपने उस मैसेज में कोई कुछ तो स्पेशलिटी बतानी होगी आपकी, आपका कोई 10th में अचीवमेंट होगा, 12th में अचीवमेंट होगा, आप स्कूल के टॉपर होंगे, आपने स्पोर्ट्स में आप इंटरेस्ट रखते होंगे, स्पोर्ट्स की कोई खास बात होगी, आपने कोई एक अलग सी चीज आप में हो तो वो जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और ना कुछ तो आप अपने सिटी और स्टेट के बारे में बता दीजिएगा, ना कुछ तो आप अपनी फैमिली के बारे में बता दीजिएगा, कोई एक चीज आपको अपने बारे में बता के मेरे साथ पर्सनल टच में आ जाना है पहली क्लास में। मैसेज कब करना है, क्लास रुक के, क्लास के बीच में नहीं, क्लास खत्म होने दीजिए, कभी भी क्लास के बीच में कोई भी टास्क कंप्लीट मत कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है इसी क्लास में मैं आगे जाके एक और टास्क दे दूं और आपको ये बोलूं कि दोनों टास्क एक ही मैसेज में भेजना, और तुम अभी तक ये टास्क कंप्लीट कर चुके हो तो फंस जाओगे ना। तो कभी भी कोई टास्क कंप्लीट करना है तो सेम डे कर दीजिएगा, लेकिन क्लास के बाद कीजिएगा, एक बार जो क्लास चल रही है, जिस क्लास में टास्क मिला है उसको कंप्लीट होने दीजिएगा। सर भूल गए तो आप जिस रजिस्टर में ये नोटिंग कर रहे हैं उसके लास्ट में कुछ पेजेस अलॉट कर दीजिए डायरेक्ट टेक्स क्लासेस टास्क गिवन बाय सूरज सर, क्लास 1 में क्या टास्क था, क्लास 2 में क्या टास्क था, ओवर अ पीरियड उन टास्क को कंप्लीट कर करके मुझे कम्युनिकेट कीजिए। एंड बात मानिए, जितना अच्छा आप मेरे से कम्युनिकेशन रखेंगे, जितने अच्छे कम्युनिकेशन आप मेरे साथ रखेंगे, उतने अच्छे रिलेशनशिप आपके हमारे डेवलप होंगे और उतना ही इंटरेस्ट आपको इस डायरेक्ट टेक्स पेपर में आएगा, ठीक। खाली फालतू की बात पे मुझे इन्वॉल्व मत कीजिएगा जिसके लिए टीम बैठी हुई है, टीम अबाउट क्लास नोट्स
यानी इशूज, टीम को अप्रोच कीजिए, जो क्लास में पढ़ाता हूं उससे रिलेटेड कोई डाउट है और या फिर जो मेरे टास्क है उसके लिए मुझे अप्रोच कीजिए, बीच बीच में क्लास में इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे उसको फॉलो कीजिए। सर मैंने आपकी क्लास ली, पहली क्लास थी, अब मैं डीटी कैसे पढ़ूं? सर कैसे पढ़ूं मतलब, मैं तो आपको बताऊंगा ओवर अ पीरियड हर क्लास में, ये पूछने की क्या जरूरत है, कोई अलग से कुछ भी तैयारी नहीं करनी है, जैसे जैसे क्लास में जो जो इंस्ट्रक्शंस देता जाऊंगा उसको फॉलो करो, अपने आप तैयारी आपकी होगी। अभी तो आज पहली क्लास है, इसमें आप क्या पूछना, ये तो कॉमन क्वेश्चन है जिसकी जरूरत ही नहीं है। आपको ये क्लास कैसे अटेंड करनी है, नॉर्मल जो टीम ने आपको क्लास चलाना सिखाया है वैसे आप चलाइए, और क्लास एक पर दूसरी, दूसरी पर तीसरी सीक्वेंस में देखिए, जैसे जैसे आपको क्लास मिल रही है या जैसे जैसे टीम ने कहा है, बस क्लास के अंदर गाइडेंस मैं दूंगा आपको, ठीक है। उसके लिए अलग से आपको मुझे मैसेज या कॉल करने की जरूरत नहीं है, आप भी परेशान होंगे मैं भी परेशान होंगे, मैं हर पढ़ने का तरीका आपको क्लास में ही बताऊंगा, डोंट वरी, हर तरह के तरीके मैं क्लास में बताऊंगा। आज भी जो मैंने बताया है उससे आपकी काफी वैल्यू एडिशन हुई होगी ये मैं जानता हूं। लिखिए इसको, वीडियो रोक के लिख ले। तो टास्क आपको ये कंप्लीट करना है विथ योर स्मॉल इंट्रोडक्शन, स्मॉल बट इंफॉर्मेटिव हो, आपके बारे में सारी बातें मुझे पता चले, आपका सिटी, आपका स्टेट, फाउंडेशन, इंटर की प्लानिंग और कोई आपकी अचीवमेंट, अबाउट फैमिली, कुछ भी आपको बताना हो तो। चलिए सर इसे लिखिए, बोथ ग्रुप के एडवांटेज थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्लासेस एक बार में कंप्लीट हो जाती हैं, सेल्फ स्टडी और रिवीजन का टाइम अच्छा मिल जाता है, रैंक आने के चांसेस हैं, सेट ऑफ का फैसिलिटी है, प्लस आपका पास्ट से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, आपका फाउंडेशन में कम मार्क्स था कोई दिक्कत नहीं, आपके 10th और 12th में कम स्कोर थे, आप एक एवरेज स्टूडेंट अपने आप को मानते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये कहीं भी रुकावट में नहीं आएगा। अगर आप एक अच्छी प्लानिंग के साथ इंटर में पढ़ाई करते हो, अच्छे से अपना टाइमली कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो, सिलेबस को टाइमली कंप्लीट करके रिवीजन कर लेते हो, तो कभी भी बोध ग्रुप क्रैक करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और मैं अपनी जर्नी के बारे में भी बीच बीच में बताऊंगा, नहीं तो YouTube पे मेरी एक CA जर्नी बोल के वीडियो है, YouTube पे मेरी एक CA की जर्नी बोल के वीडियो है 1 जुलाई 2020 की, उसको जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। YouTube पे मेरे चैनल पे CA जर्नी मेरी 1 जुलाई 2020 की वीडियो है, वो जरूर आप देखिएगा, उसमें आपको काफी सारी बातें पता चलेंगी कि कैसे मैं एक एवरेज स्टूडेंट था और मैंने कैसे सीए सीपीए वगैरह कंप्लीट किया, वो सब बातें उसमें मैंने बताई हैं, तो आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा, उससे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक। यहां तक आप लिख चुके हैं, ये वाला फायदा आपको एक एक ग्रुप एक करके एग्जाम में नहीं मिलेगा। से आपने जून 22 में आपने एक ग्रुप दिया और 280 मार्क्स लेके आ गए, ठीक, और आपने दिसंबर 22 में दूसरा ग्रुप दिया और लेकिन आपके 180 मार्क्स ही आए, आप इसमें फेल कर जाएंगे, इसमें पास, यहां वाला जो 80 मार्क्स एक्स्ट्रा है वो इधर पास ऑन नहीं होगा क्योंकि आपने दोनों ग्रुप अलग अलग दिए हैं, ठीक है। यही हुआ ना, कैसे हुआ ये मार्क्स, आपने ग्रुप 1 में ज्यादा टाइम दिया पढ़ने का और आपने ग्रुप 2 में कम टाइम दिया पढ़ने का, तो ग्रुप 2 के मार्क्स कम आएंगे ही, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आए कम, लेकिन आ सकते हैं, ठीक। और जहां तक है कि पास करना और फेल करना, मैं तो कह रहा हूं कि आप तो इंटर में कोर्स कंटेंट को जानते ही नहीं है, फिर आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आप बोध रूप नहीं दे पाएंगे, आपने इन पेपर के बारे में जाना कहां। से आप अभी ग्रुप 1 की तैयारी कर रहे हैं, आपने पेपर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, इतनी ही तो प्लानिंग की आपने, पेपर 9, पेपर 10, पेपर 11, पेपर 12 की तो कोई प्लानिंग ही नहीं की। सर आप अपना ग्रुप 2 का क्लास बेचना चाहते हो, सर मैं ग्रुप 2 में कुछ भी नहीं पढ़ा रहा आपके एग्जाम्स के लिए, ऐसे मान के चलो, आप हमारी टीम को अप्रोच करेंगे ग्रुप 2 की क्लासेस के लिए, तो मैं सूरज अग्रवाल न पेपर 9 में इन्वॉल्व हूं, न पेपर 10 में, न पेपर 11 में, न पेपर 12 में। बोला सर आप तो पेपर 11 पढ़ाते हो, पढ़ाता था, ठीक है, पुरानी क्लासेस हमारे पास हैं जो हम अभी सेल नहीं कर रहे हैं,
आगे अगर नई क्लास में रिकॉर्ड करूंगा तो जरूर सेल करूंगा। अभी हम बच्चों को अप्रोच नहीं कर रहे पेपर 11 के लिए। आप अगर अभी हमारी टीम को अप्रोच करेंगे कि पेपर 11 की क्लास लेनी है, 2022 में एग्जाम है, तो टीम मना कर देगी कि हमारे पास क्लासेस अवेलेबल नहीं है, करंट बैच कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, पुरानी क्लासेस हैं, एक साल पुरानी। ऐसा है तो मैं कोई अपना कोई पेपर नहीं बेच रहा, मैं कोई अपना ग्रुप या कोई अपने फैकल्टीज को नहीं बेच रहा। ठीक है, यहाँ पे मेरा वो इंटेंशन नहीं कि मैं अपना कोई क्लास और कोई पैकेज आपको बेचूं, सिर्फ आपको मैंने यहाँ एक सजेशन दिया है। ठीक है, तो ये सजेशन मैं जनरली दे ही देता हूं पहले लेक्चर में, ताकि बच्चा अपना माइंड सेट करे। देखो, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो, दूसरे ग्रुप में जाना चाहते हो, यानी बोध ग्रुप देना चाहते हो, तो उसका डिसीजन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेना पड़ेगा। जितना लेट करेंगे उतना दिक्कत होगी। ठीक है, अगर आप डिसीजन टाइमली और अर्ली ले लेते हैं तो हो सकता है आप जून 22 में भी बोध ग्रुप दे दो, नहीं तो फॉर श्योर आप दिसंबर 22 में तो बोध ग्रुप दोगे ही दोगे। बट पहले आपको जज करना पड़ेगा, मेरी बात सुनिए, आपने दो चार सीनियर से और डिस्कस करना पड़ेगा, अपने घर में डिस्कशन करना होगा, मेरी इस आधे घंटे की वीडियो को अपने घर वालों को सुनाना पड़ेगा। बट कोई ये कहे कि बेटा तुमसे ना होगा तो उस बात को इग्नोर कीजिएगा और अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश कीजिएगा। और उसके लिए अगर आपको मान लीजिए पढ़ाई करना ज्यादा पड़े, सोशल मीडिया में कम रहना पड़े, घर में एक सीरियस बच्चा बन के रहना पड़े, रहिए ना, क्या दिक्कत है। सर आप में ही कुछ कमी होगी तभी आपके घर वाले आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि आप बोध ग्रुप निकाल लेंगे। आप में कुछ कमी होगी, आप पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं होंगे, अपने 10th 12th में या फाउंडेशन में आप घूमने फिरने वाले बच्चे होंगे, मस्ती मारने वाले बच्चे होंगे, खूब सारा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होगा आपका, आप घर में 3-4 घंटे भी नहीं पढ़ते होंगे, इसीलिए घर वालों ने आपका एक व्यू बना लिया है कि आप बोध ग्रुप नहीं पास कर पाएंगे। बोध ग्रुप आपके बस की बात नहीं है, एक एक ग्रुप करके लिए दे दो वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। घर वालों ने ये परसेप्शन बना लिया है, ये इमेज आपने खुद ने अपनी गलतियों के कारण अपने घर वालों के सामने बना दिया, ऐसे मानो। तो उस इमेज को तोड़ने की कोशिश कीजिए। आप अपने घर वालों को ग्रुप 1 की क्लासेस को टाइमली कंप्लीट करके प्रूफ कीजिए कि देखो अभी जनवरी और मैंने ग्रुप 1 की क्लासेस सारी कंप्लीट कर ली है, लेट मी डू माय सेकंड ग्रुप प्रिपरेशन आल्सो, आई विल अपीयर फॉर बोथ ग्रुप। आप ये प्रूफ करके दिखाओ ना। आप अपने घर आप चलो आपके घर वाले मानते हैं कि आप कैपेबल नहीं हो, आप घर वालों को बोलो कि अभी से नवंबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने में मैं अगर ग्रुप 1 की क्लासेस सारी कंप्लीट करूं हर टीचर्स की, तो क्या मेरे दूसरा ग्रुप की तैयारी करने के लिए क्लासेस लेने के लिए पैसे मिलेंगे? घर वाले कह देंगे हाँ, बस आप लग जाओ आज से तैयारी में। चेंज योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है, अगर आप अपने प्लानिंग को चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने आप में चेंजेस लाएं, अपने आप आपके घर वालों को आप पे भरोसा होगा और आप अपने आप बोध ग्रुप की तैयारी करेंगे और आपका भी कॉन्फिडेंस हाई होगा ना। ठीक है सर, दे के देखते वाली बात तो फाउंडेशन में थी और फाउंडेशन नक्की हो गया आपका, अब आप आ चुके हैं इंटर में। इंटर में आने के बाद अब पीछे हटने की बात होती नहीं है कि चलो मैं ग्रुप 1 देख के देखता हूं, पास हो गया तो आगे की सोचूंगा, ऐसे नहीं करना है, तब तो आप सीएमए बन ही नहीं पाएंगे। अगर आप इस इंटेंशन में हैं कि फाउंडेशन तो सब पास कर जाते हैं, चलो ग्रुप 1 देख के देखता हूं, अगर ग्रुप 1 अच्छा गया तो ही मैं इस कोर्स के बारे में सोचूंगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, फिर तो आप इस कोर्स को छोड़ दीजिए। अगर आप दे रहे हैं तो सीरियसली इस तरीके से दीजिए कि आपको अगले 3 साल में 4 साल में सीएमए बनना है, फटाफट ग्रुप क्लियर करना है इंटर का, फिर ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, और मतलब अगले 3 साल में आपको सीएमए क्वालिफाई कर जाना है, एक ऐसा प्लान होना चाहिए। अब आपका देखते हैं वाली बात नहीं होनी चाहिए, अब कि एग्जाम दे के देखते हैं, पास कर गए तो अगला ग्रुप और तो आगे की जर्नी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब खासकर ब्रेक लीजिए आप लोग। ठीक, देखो कुछ बच्चों को YouTube पे लगेगा, YouTube पे जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं उनको लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैंने इस क्लास की वीडियो में पहले ही कहा कि ये इंट्रोडक्शन क्लास है, डायरेक्ट टेक्स्ट की पहली क्लास है। अगर मैं फेस टू फेस बैच में रहता तो भी यही बता रहा होता बच्चों को, मैं लाइव सेशन दे रहा होता तो भी मैं यही बताता। ये पहली क्लास है मेरे बैच की और पहली बार बच्चे मेरे से जुड़ रहे हैं इंट्रोडक्शन क्लास, और मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मैं इसमें टेक्निकल कुछ भी नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा कोर्स का, जिसको जानना जरूरी है आगे की क्लास में जाने के लिए। तो ऐसा न सोचना कि आपका टाइम बर्बाद हो रहा है।
आजकल बच्चों को पहली क्लास में ही पहला चैप्टर कंप्लीट चाहिए, पॉसिबल नहीं है ऐसा, डोंट वरी। ठीक, प्लीज ब्रेक एंजॉय कीजिए, आप लोग यहां पर वीडियो को रोकिए, यहां पर वीडियो को रोकिए 5 से 10 मिनट और ब्रेक एंजॉय कीजिए। चलिए सर, आई होप आप लोगों ने ब्रेक ले लिया होगा। देखो कंफ्यूज नहीं होना है मेरे डिस्कशन से कि सर अभी तक तो मैं एक ही ग्रुप का सोच रहा था, अब आपने कंफ्यूज कर दिया है। कंफ्यूज नहीं किया है, अगर आप कैटेगरी 3 में हैं तो आप वो जो ग्रुप 2 को वाला प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं दिसंबर में ग्रुप 2 5 महीने की तैयारी में कर लूंगा, तो उस पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए। और उसका तरीका एक है कि आप उसका एक तरीका और है ना, ब्रेक के बाद चलो बता देता हूं कि अगर आप एक एक ग्रुप करके एग्जाम देना चाहते हैं तो जो दूसरा ग्रुप है उसमें से कोई एक पेपर की पढ़ाई पहले ही कंप्लीट कर लीजिए अभी ग्रुप 1 के साथ, उसका एग्जाम मत दीजिएगा, खाली पढ़ाई किसी क्लास को लेके कंप्लीट कर दीजिए। 4 पेपर है ना ग्रुप 2 में, उसमें से कोई भी एक पेपर जहां अमेंडमेंट्स नहीं आते, जहां चेंजेस नहीं आते, उसकी तैयारी आप पहले ही करके कंप्लीट कर दीजिए इसी ग्रुप 1 के साथ। उसका एग्जाम नहीं देना है, उसका फॉर्म नहीं भरना है, उसमें कोई एग्जामिशन के लिए ट्राई नहीं करना है। 60 मार्क्स ला के पेपर को एग्जाम करा देंगे ऐसा कोई ट्राई नहीं करना है ना। पासिंग मार्क्स 40 चाहिए, एवरेज 50 है, और 60 मार्क्स लाने पर वो पेपर दोबारा नहीं देना पड़ता अगर हम फेल कर जाते हैं, तो फेल तो होना ही नहीं है। तो हमें एग्जम्पशन वर्ड के बारे में नहीं सोचना है कि सर 60 ले आएंगे तो पेपर एग्जम्प्ट हो जाएगा, ऐसे नहीं सोचना है। चलिए सर, तो ये तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात हो रही थी। आपके सिलेबस में पहले इंडिया का टैक्स सिस्टम देख लेते हैं। टैक्स सिस्टम बहुत सिंपल है, टैक्स सिस्टम जो इंडिया का है, टैक्स सिस्टम इन इंडिया, मैं हल्का सा बता रहा हूं यहां पे, कोई ज्यादा डिटेल्ड में नहीं बता रहा। टैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं या टैक्स सिस्टम बोलते हैं इंडिया का, इसमें 2 टैक्स है, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। आगे बताऊंगा, आगे आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर किया जाएगा कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है। राइट, मैं एक एग्जांपल लूंगा अपनी कोचिंग का ही, लेकिन फिलहाल अभी समझिए कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो मैं खुद पे कर रहा हूं, और इनडायरेक्ट टैक्स है वो टैक्स मैं पे तो कर रहा हूं गवर्नमेंट को, लेकिन किसी और से लेके पे कर रहा हूं। ठीक है, ऐसे समझिए कि मैं डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को देता हूं तो वो खुद की जेब से देता हूं, और अगर मैं गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स देता हूं तो वो दूसरे को दूसरे से लेकर देता हूं, ऐसे समझिए अभी फिलहाल। सर इंडिया में टैक्स के जो सिस्टम है उसमें एक टैक्स है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स। दीज टैक्सेज आर रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, है ना, ये जो टैक्सेज हैं, दीज टैक्सेज आर रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। बोला सर गवर्नमेंट तो 2 है, सेंट्रल और स्टेट, तो इसमें से कुछ टैक्सेस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाते हैं और कुछ टैक्सेस हैं जो शेयर्ड होते हैं सेंट्रल और स्टेट के बीच में, बात करेंगे बताऊंगा। बट फिलहाल टैक्स सिस्टम जो है इंडिया का, उसमें 2 तरह के टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ये हमारे लिए कॉस्ट का काम करते हैं, खर्चा है ये हमारे लिए, एक्सपेंस फॉर टैक्स पेयर्स, दीज आर एक्सपेंस फॉर कंज्यूमर, दीज आर एक्सपेंस फॉर टैक्स पेयर्स, बट गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का काम करती है। बोला सर गवर्नमेंट इस रेवेन्यू का करती क्या है, तो गवर्नमेंट के काफी सारे ऑब्लिगेशन हैं, यू नो एडुकेशन का बजट है, उसके बाद आपका सोशल कॉज है गवर्नमेंट के, सब्सिडीज है, डिफेंस है, एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, काफी सारी फ्री सर्विसेज देती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के अपने खर्चों की लिस्ट है, उस खर्चों को फाइनेंस करती है गवर्नमेंट टैक्सेस के थ्रू, और इसी के लिए बजट भी आता है हर साल, आगे बजट की भी बात बताऊंगा। फिलहाल मैं इंडिया के टैक्स सिस्टम को आपके कोर्स से कंपेयर करके देना, ठीक है, ऐसे समझिए। इंडिया में 2 ही टैक्स सिस्टम है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, और ओवर अ पीरियड इंटर फाइनल में ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 में यही आपके सिलेबस में है। एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट आपको टैक्सेस की भी नॉलेज रखनी है, ठीक, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो रख ही रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी भी रख रहे हैं टैक्स की नॉलेज, ठीक,
आपको भी रखनी है एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट। सिर्फ आप कॉस्ट कॉस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ फाइनेंस अकाउंटिंग कॉस्ट का काम ही करते रहेंगे ऐसा नहीं है, आपको टैक्सेशन में भी पढ़ना है, काम सीखना है, काम करना है, और अगर आप फ्यूचर में जॉब में जाते हैं, प्रैक्टिस में जाते हैं, तो आपको टैक्स के एरिया में भी काम करना है। और उसकी शुरुआत तो आप क्लास से ही करेंगे ना, जब आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा वो इंटरेस्ट क्रिएट करना है। सर डायरेक्ट टैक्स का फिलहाल एक ही एग्जाम्पल है जो आपके सिलेबस से मैच भी कर रहा है, और वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की क्लास में है, डायरेक्ट टैक्स की क्लास में है, डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स? वन एग्जांपल आपके सामने है इनकम टैक्स। अब फाइनल में आप जाते हैं तो इसी के अंदर दूसरा पार्ट हो जाता है एड, इंक्लूडिंग। जब आप फाइनल में जाते हैं तो इसी के अंदर दूसरा पार्ट एड हो जाता है, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल टैक्स, बट डायरेक्ट टैक्स का ही पार्ट है। ऐसे समझिए कि टैक्स सिस्टम ऑफ इंडिया में डायरेक्ट टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स के अंदर दो टैक्स है, डोमेस्टिक टैक्स और इंटरनेशनल टैक्स, लेकिन है ये उसी का पार्ट। एक टैक्स पहले हुआ करता था वेल्थ टैक्स, जो अब एबॉलिश हो रखा है। अब क्या, बहुत दिनों से एबॉलिश हो रखा है। अगर आपने कहीं सुना होगा तो एक वेल्थ टैक्स का नाम सुना होगा, लेकिन मैं उसे यहां लिख नहीं रहा। वेल्थ टैक्स एक टैक्स होता था, लेकिन अब ये टैक्स अब नहीं, बहुत दिनों से, पिछले 10-12 साल से एबॉलिश्ड हो रखा है, ठीक है। तो इसे अब सिलेबस का पार्ट नहीं मानते, डिस्कस भी नहीं करते। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख सकता हूं, कस्टम ड्यूटीज, जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से रिलेटेड है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड है। और दूसरा और बहुत फेमस जो आप पे भी करते हैं, क्या, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आपने हमारे यहां डायरेक्ट एडमिशन लिया है वेंडर के थ्रू, नहीं, आपने किसी वेंडर और किसी वेबसाइट के थ्रू हमारा एडमिशन लिया है तब तो नहीं, लेकिन अगर आपने हमारी डायरेक्ट, हमारी दिल्ली की टीम से डायरेक्ट बात करके, हमारी टीम जो पर्सनल टीम है, जिन्होंने पैसे लिए, जिन्होंने क्लास चला के दी, वो आपको इनवॉइस भी इशू करेगी, और हमारी इनवॉइस पर जीएसटी लगा हुआ बिल आपको मिलेगा। आप किसी वेंडर के थ्रू लिए हैं, वो वेंडर जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो आपके और वेंडर की कॉल है। लेकिन अगर आपने हमारे यहाँ डायरेक्ट एडमिशन लिया है तो 15 दिन एक महीने के अंदर अंदर आपको हमारे यहाँ से जीएसटी की इनवॉइस मिलती है, जिसमें प्रॉपर हमारा एड्रेस, डिटेल, जीएसटी नंबर, टैक्सेस वगैरह की फिगर के साथ आपको वो बिल मिलता है। और वही टैक्स है जो हम आपसे लेते हैं और गवर्नमेंट को देते हैं, इसीलिए उसका नाम क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। यानी हम जो आपको फीस बताते हैं, उस फीस में हम कुछ टैक्सेस भी आपसे लेते हैं, और जो हम गवर्नमेंट को देते हैं। क्योंकि हमने एक टैक्सेस आपसे लिया और गवर्नमेंट को दिया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। और जब आपको हम पढ़ाते हैं तो इससे हमें कमाई होती है, इनकम होती है, और इस इनकम पर हम टैक्स खुद पे करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स किस पर लगता है, हमारी इनकम पर। इनकम कहां से आएगी, जब हम आपको पढ़ाएंगे उससे पैसा आएगा, उसमें से हम अपने खर्चे मैनेज करेंगे तो इनकम होगी, और वो बन जाता है इनकम टैक्स। सिंपल है। तो सर मोटा मोटी इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है, उसमें मोटा मोटी दो टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्स और एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स। आगे की क्लासेस में आपको बताऊंगा बोर्ड्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, किस तरीके से हमारा ये डिपार्टमेंट और बोर्ड फंक्शन करते हैं, वो सब आगे कोर्स में धीरे धीरे कहीं ना कहीं डिस्कशन का पार्ट बन के आपके सामने आएगा। ठीक, अब डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल फिलहाल आपके सामने एक है इनकम टैक्स, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स में एग्जाम्पल आपके पास है कस्टम ड्यूटी एंड जीएसटी। इसमें से कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो आप पहली बार सुन रहे हो, आप जीएसटी वर्ड से अवेयर्ड हो। इनफैक्ट आपने दवा खरीदी, मोबाइल खरीदा, लैपटॉप खरीदा, तो आपने कहीं ना कहीं जीएसटी पे कर रखा है। आपने जीएसटी नहीं, एक्चुअली में सीजीएसटी, एसजीएसटी पे कर रखा है, या किसी किसी बिल पर आप आईजीएसटी देखे होंगे। ये टैक्सेस की वैरायटी है। किसी किसी बिल पर आपने हो सकता है एक ही टैक्स दिया हो, नाम क्या हो, आईजीएसटी, या किसी किसी बिल पर आपने दो टैक्सेस दिए हो, नाम क्या हो, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। यहां पर आपका टास्क नंबर टू, आपको घर में अपनी परचेजिंग का कोई भी ऐसा बिल देखना है, चाहे आपने घर में ऑनलाइन कोई शॉपिंग की हो, कैलकुलेटर, मोबाइल, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, घर में कुछ भी आपने खरीदा हो ऑनलाइन ऑफलाइन,
किसका बिल आपके पास है, उस बिल को अच्छे से पढ़ना, उस बिल को अच्छे से पढ़ना। कहीं ना कहीं आपने उस बिल में देखा होगा लास्ट में कि आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है, कोई गुड्स परचेज किया है, कोई सर्विसेज ली है, तो उसमें आपने जीएसटी भी पे किया होगा। ये टास्क नंबर टू है। अगर आप बताना चाहते हैं कि हाँ सर मेरे घर में मैंने एक बिल देखा, आप उसकी फोटो व्हाट्सएप में इमेज क्लिक करके भेजेंगे कि सर ये आपका इस लेक्चर में ब्रेक के बाद का टास्क टू था, आपने हमें टास्क दिया था सर योर क्लास योर फर्स्ट क्लास का टास्क नंबर टू, ऐसे करके भी मैसेज करेंगे तो मुझे याद आ जाएगा। आपको सिर्फ फोटो नहीं भेजनी है, फोटो के साथ कुछ लिखना भी है। मान लीजिए आपने एक इमेज क्लिक करके भेज दिया, उस इमेज को मैं देखूं ही ना, डाउनलोड ही ना करूं, तो आपको लिखना है टास्क नंबर टू ऑफ लेक्चर वन। मैं समझ जाऊंगा कि हाँ मैंने आपको क्लास में टास्क दिया था। फैमिलियर होइए, आपके घर में ऐसा कोई भी बिल नहीं मिलेगा, भले आपने कोई इम्पोर्टेड गुड्स ही खरीदा हो ऑनलाइन, आपके घर में ऐसा कोई बिल नहीं मिलेगा जिसमें कस्टम ड्यूटी आपको दिखेगी, शायद ना दिखे। हाँ कोई ऑनलाइन जो जैसे कोई ऑनलाइन पोर्टल है, डायरेक्ट आपने उसमें परचेजिंग की है, से चाइना का कोई ऑनलाइन पोर्टल है और आपने डायरेक्ट वहां परचेजिंग की है और उसने उसमें दिखाया है कस्टम ड्यूटी एटसेट्रा एटसेट्रा, तो हो सकता है दिखे। अदरवाइज नॉर्मली से आपने कोई इम्पोर्टेड आइटम मॉल से खरीद के लेके आए हैं कि ये चाइना का मैन्युफैक्चरिंग है और इम्पोर्टेड है, तो भी आपको उसमें कस्टम ड्यूटी नहीं दिखेगा, वो उसके प्राइस में इनबिल्ट होता है, इनवॉइस पे अलग से नहीं दिखता है। तो शायद ही कोई बिल आपको मिले कस्टम ड्यूटी वाला, लेकिन हाँ आपके घर में बड़े आराम से आप अपने घर वालों से डिस्कस करोगे या आप अपनी ही कोई शॉपिंग वगैरह का बिल देखोगे, आपने रेस्टोरेंट में खाया पिया होगा उसी का बिल होगा आपके पास। अगर आप कंफर्टेबल हैं बिल में से क्या खरीदा उसकी इन्फॉर्मेशन हाइड कर दीजिएगा, आपका मोबाइल नंबर, घर का एड्रेस, मान लीजिए फैमिली मेंबर का नाम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, उसको हाइड करके फोटो भेज दीजिएगा। मतलब उसमें कोई अगर डेटा आपको हाइड करना है तो उसको क्रॉप कर दीजिएगा और फिर फोटो भेज दीजिएगा। सिर्फ इतना ही तो आपको बताना है कि हाँ सर एक बिल मिला और ये बिल है। बिल के जो इंपॉर्टेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन होंगे उसको क्रॉप कर दीजिएगा, इतना करके आप भेज दीजिएगा, इस टास्क को कंप्लीट कीजिए। देखिए जब तक मैंने क्या कहा, टास्क में आप इन्वॉल्व नहीं होंगे आपको इस पेपर में मजा नहीं आएगा, ठीक है। सर आपको मैं फेस टू फेस क्लास का मतलब आप कुनो आप अफसोस नहीं करेंगे कि काश मैं फेस टू फेस क्लास में होता तो अच्छा सीखता और अच्छे से सर से बात कर पाता, या सर की लाइव क्लास में होता। देखो आपने मेरे से क्लास लेनी थी, अब आप सोच रहे हैं सर की काश मुझे लाइव क्लास मिल जाती, सर की क्लास मुझे फेस टू फेस क्लास मिल जाती, दोनों ही अपने पास नहीं है। लेकिन मैं बात मानिए 100% अभी से लेकर आखिरी क्लास तक कहीं भी मैं आपको फील नहीं होने दूंगा कि आप मेरी लाइव क्लास में रहते तो अच्छा सीखते या फेस टू फेस क्लास में रहते तो अच्छा सीखते। बस आप मेरी बातों को फॉलो करते रहिए, यही तरीका है। डायरेक्ट टेक्स्ट में आपको कंफर्टेबल और स्कोरेबल बनाने का, आप डायरेक्ट टेक्स्ट में स्कोर कर सकते हैं लेकिन आप पहले अपना इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए इस पेपर में। और ये छोटे छोटे जो टास्क है ना, ये जो देखिए आज कोई टेक्निकल डिस्कशन नहीं हो रहा, कोई चैप्टर का टेक्निकल डिस्कशन की हाउ टू कंप्यूट टैक्स, लेट्स कंप्यूट द टैक्स फॉर इंडिविजुअल, दीज आर द स्लैब रेट्स। जनरली किसी भी टीचर की आप डेमो क्लास में होते हैं पहली क्लास में तो उसमें टैक्स कंप्यूटेशन पढ़ाया जाता है। मैं अपनी पहली क्लास में नहीं, मैं अपनी तीसरी क्लास में बताता हूं टैक्स कंप्यूटेशन। पहले ये थोड़ा सा डिस्कस कर लूं जो जनरली कोई नहीं करते हैं, है ना सर। तो ये टास्क नंबर टू है आपको जीएसटी का। अपने घर में अगर दो बिल मिल जाए आपको, ऑनलाइन अगर आपने कोई शॉपिंग की होगी तो वहां आईजीएसटी मिल सकता है, दिख सकता है वहां पे आईजीएसटी, एक ही टैक्स आईजीएसटी। और अगर आपने लोकल किसी दुकान पर जाके शॉपिंग की होगी, बिल वगैरह होगा, तो आपको सीजीएसटी एसजीएसटी दिख सकता है। सपोज करो आप मेरे वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हैं और दिल्ली में हम हैं, तो आपको हम ही ने जो बिल इशू किया होगा वो आईजीएसटी का बिल इशू किया होगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी। दो स्टेट, जैसे मैं दिल्ली से पढ़ा रहा हूं और आप बंगाल में हैं, तो आपको जो हम टैक्सेस लगा के बिल भेजेंगे उस पर आईजीएसटी होगा, और हम दिल्ली के ही टीचर हैं और दिल्ली के ही हमारे पास स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं तो हम उस पे ये वाला टैक्स लगाते हैं सीजीएसटी एसजीएसटी, है ना। बाकी बातें आप इनडायरेक्ट टैक्स में सीखिएगा ना, मैं कौन सा आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा रहा हूं। तो सर इंडिया का दो टैक्सेशन सिस्टम, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में दो टैक्सेस मेनली, कस्टम जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पर लगता है, इम्पोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी, एंड दूसरा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो इंडिया के अंदर जब गुड्स की खरीद बेच करते हैं
विद इन द स्टेट और एक दूसरे स्टेट में, तो ये टैक्सेस लगते हैं। जीएसटी के अंदर फिर टैक्सेस के नाम है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, मैं उसके अंदर नहीं जा रहा। ये इंडिया का टैक्स सिस्टम है। अब आपका कोर्स, आपके कोर्स के बारे में अगर हम आए, सीएमए कोर्स के बारे में, जब हम आपके सीएमए के कोर्स, के बारे में आते हैं, तो फाउंडेशन की चर्चा कर नहीं रहे हम, अभी इंटर की चर्चा करेंगे, हम अभी फाइनल की चर्चा करेंगे, और बीच में एक फेज आता है ट्रेनिंग का, विच इज अ पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल डिग्री, और ट्रेनिंग के बिना डिग्री लेना अधूरा है, ये ध्यान रखिएगा। इंटर जब पास करेंगे और फाइनल का एग्जाम जब देंगे, चाहे आप बोथ ग्रुप दें फाइनल में, या ग्रुप थ्री दें या ग्रुप फोर दें, आप प्लीज एटलीस्ट 1 ईयर की ट्रेनिंग कंप्लीट जरूर कीजिएगा, पूरा एक साइकिल। इंस्टीट्यूट कहती है टोटल 15 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, 15 महीना रिजल्ट निकलने तक होना चाहिए फाइनल बोथ ग्रुप का, फाइनल बोथ ग्रुप का। ट्रेनिंग के कुछ कंडीशन से पढ़ लीजिएगा, ट्रेनिंग बेसिकली बोला गया कि फाइनल का बोथ ग्रुप देने से पहले, बोथ ग्रुप के रिजल्ट निकलने से पहले 15 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए। तो उसमें बच्चा बोलता है सर हम पहले ग्रुप थ्री देंगे फाइनल का, हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे, ट्रेनिंग हम बाद में करेंगे। और मेरा मानना है कि इंटर पास करते ही आप पहले ट्रेनिंग में जाएंगे, और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ही आप कोई भी ग्रुप देंगे, चाहे वो एक हो या फाइनल का बोथ हो। अगर आप इंटर में हैं तो ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं करनी है, इंटर का पहला बोथ ग्रुप क्लियर कर लीजिएगा। पहला स्टेप इंटर का बोथ ग्रुप क्लियर करना है, दूसरा स्टेप ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है, एक साल का एक फेज कम से कम कंप्लीट करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। कोई ऑर्गेनाइजेशन बोले कि नहीं कम से कम 15 महीने कंप्लीट करने हैं तो करो। उसके बाद तीसरा स्टेज एपीयर फॉर फाइनल ग्रुप, एपीयर यानी आप पढ़ाई और ट्रेनिंग साथ साथ करेंगे, ट्रेनिंग के साथ साथ पढ़ाई करेंगे, प्लस क्लासेस। ये एक सीएमए कोर्स का फेज है। अभी फिलहाल आप इंटर में है, और आगे मैंने क्या बोला, इंटर को टाइम पास की तरह नहीं देखना, इंटर क्रैक करना है, ट्रेनिंग करनी है, फाइनल का एग्जाम देना, ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए। अगले 3-4 साल के अंदर आपको ये अचीव करना होगा। अगले 1 साल में आपको इंटर क्रैक करना है, उसके 1 साल 1.5 साल मतलब 2 साल का गैप होता है इंटर पास करने के बाद और फाइनल का एग्जाम जिस अटेम्प्ट में देना है उसमें 2 ईयर्स का गैप होता है। उसी गैप में आप क्लासेस भी कंप्लीट करते हैं और ट्रेनिंग भी कंप्लीट करते हैं। समझिए, जिस अटेम्प्ट में आप इंटर क्लियर करेंगे से दिसंबर 2022, तो आपको फाइनल कब देना है, दिसंबर 2024 में। कम से कम 2 साल का गैप आपको रखना है, क्यों, ताकि आप बोथ ग्रुप की क्लासेस कंप्लीट कर सकें विथ ट्रेनिंग। कम से कम 2 साल का गैप आप रखेंगे, अगर आपने इस गैप को कम किया तो आपको नुकसान पहुंचेगा। मार्क माई वर्ड्स, इस मेरे बात को, मेरे स्टेटमेंट को याद रखिएगा आप हमेशा के लिए आगे। कोई कहेगा ट्रेनिंग मत लो, कोई कहेगा 6 महीने की ही लो, कोई कहेगा अभी क्यों ले रहे हो, पहले फाइनल का एग्जाम दे दो, एक ही ग्रुप दे दो, बात मत सुनिएगा। मस्ट है, मस्ट फाइनल की क्लासेस भले स्टार्ट कर लीजिएगा, लेकिन एग्जाम से अपियर करने से पहले अपने ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लीजिएगा, चाहे किसी भी ग्रुप का फाइनल में एग्जाम दे रहे हो। इस बात को आप भूल जाएंगे अगले 6 महीने के बाद, याद रखना है। नोट कीजिए प्लीज, पिछला पहले नोट कीजिए ये वाला पोर्शन। मैं बेसिकली इस इंडिया के टैक्स सिस्टम, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को अब आपके सिलेबस में मिलाने जा रहा हूं, कि भाई क्या ये इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है क्या आप अपने सिलेबस में पढ़ेंगे, या आपका सिलेबस आलतू फालतू चीजों से मिलके बना हुआ है। नहीं, जो भी चीज आप पढ़ेंगे सिलेबस में सबका एक पर्पस है। चूंकि टैक्स मेरा एरिया है, मैं आपको ये कनेक्ट करके दे रहा हूं। लिखिए प्लीज इसे, कोई भी जो टास्क दे रहा हूं क्लास कंप्लीट होने के बाद भेजेंगे, ठीक। आपके 2 मैसेज आएंगे, एक टास्क 1 का अलग मैसेज आएगा, टास्क 2 का अलग मैसेज आएगा, ये ध्यान रखना है। यहां 2 मैसेज आएंगे आपके पास से, मेरे पास, टास्क 1 का अलग, टास्क 2 का अलग, मेरे पर्सनल नंबर पे, जो नंबर आपको मेरी टीम शेयर करेगी। दीज टैक्सेस आर रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन सी इन्वॉल्व हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो सकती है। सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजी स्टेट गवर्नमेंट।
दीज टैक्सेस आर रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. डायरेक्ट टैक्स में जो इनकम टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है. डायरेक्ट टैक्स में जो इनकम टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है. इनडायरेक्ट टैक्स में जो कस्टम ड्यूटी है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, लेकिन जो जीएसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास 50-50 बट जाती है, 50-50 की शेयरिंग होती है. क्या ध्यान रखिएगा, जो डायरेक्ट टैक्स के अंदर इनकम टैक्स है उसका पूरा पैसा, पूरे इंडिया में कोई भी आदमी जो इनकम टैक्स पे कर रहा है, वो सारा का सारा पैसा किसका है? मोदी जी का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का. ठीक, दिल्ली का कोई पर्सन हो, यूपी का कोई पर्सन हो, सारा का सारा टैक्स का पैसा, इनकम टैक्स का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का है. और कस्टम ड्यूटी जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे लगती है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है. लेकिन जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसमें आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट का है. ठीक, देखिए इसीलिए यहां पर है सीजीएसटी, सी फॉर सेंट्रल जीएसटी और एस फॉर स्टेट जीएसटी. और कोई भी बिल आपके घर में हो, दोनों का रेट सेम होगा, 9% और 9%, 18%. मान लो मेरे पढ़ाने पर 18% का जीएसटी है, तो उसमें आधा 9% सेंट्रल गवर्नमेंट का है और आधा 9% किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का. रेट इक्वल होंगे, ये ध्यान रखना है. ठीक है, तो जीएसटी जो टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों आधा आधा शेयर करती है आपस में. कस्टम ड्यूटी सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और इनकम टैक्स भी सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का है. सर हमने तो एक वैट सुना हुआ है, एक सर्विस टैक्स सुना हुआ है. तो सर ये पुराने टैक्सेस हैं, एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, जिनकी जगह पर क्या रखा है? जीएसटी. जब आप इनडायरेक्ट टैक्स की क्लास में जाएंगे तो आपके जो इनडायरेक्ट टैक्स के फैकल्टी हैं वो डिटेल्ड में आपको बताएंगे. मेरी भी यूट्यूब पे पुराने लेक्चर्स हैं, इंट्रोडक्शन लेक्चर्स, 8 से 9 लेक्चर्स हैं जीएसटी के इंट्रोडक्शन. अगर आप उसको देखेंगे तो काफी नॉलेज आपको मिलेगी अबाउट जीएसटी, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ जीएसटी. जीएसटी की बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर, बेसिक्स ऑफ जीएसटी की मेरी 8 लेक्चर यूट्यूब पे है 2021 की ही. आप उसको देखना चाहते हैं देख सकते हैं फॉर नॉलेज पर्पस. आइए सर, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, आप इंटर में हैं, लेकिन सिर्फ इंटर में ही रहेंगे ऐसा नहीं है. आपका पहला स्टेज अब है इंटर, दूसरा स्टेज है ट्रेनिंग. इंटर क्लियर करने के बाद कोई आपको बोले या इंस्टीट्यूट बोलती है कि आप इंटर में ही भी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो, मत कीजिए, आप उस लायक अभी नहीं बने. पहले आप इंटर की पूरी पढ़ाई कंप्लीट कीजिए, सारी क्लासेस, सारा कोर्स कंप्लीट कीजिए, एग्जाम क्रैक कीजिए, फिर ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए. आपका पूरा फोकस अभी होना चाहिए हाउ टू क्रैक माई सीएमए इंटरमीडिएट लेवल एज सून एज पॉसिबल विद द गुड मार्क्स इंक्लूडिंग बोथ ग्रुप और से रैंक. ठीक, ट्रेनिंग के बाद फाइनल. ट्रेनिंग से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा. सर क्लासेस भी तो रहेंगी, ट्रेनिंग के साथ लीजिए. 2 साल का गैप इसीलिए तो दे रहा हूं कि आप ओवर अ पीरियड 2 साल में ट्रेनिंग भी कंप्लीट करें और क्लासेस भी कंप्लीट करें और अपने आप को बोध ग्रुप सीएमए फाइनल के लिए रेडी करें. डन सर. अब देखिए गवर्नमेंट तो बोलती है इंडिया में 2 तरह के टैक्स हैं. अब इंस्टीट्यूट भी आप कितनी स्मार्ट प्लानिंग कर रही है आपके लिए. आप इंटर में जब ग्रुप 1 में है तो आपको यहां पर पेपर 7 पढ़ा रही है डायरेक्ट टैक्स. ठीक, अब आप ग्रुप 2 के बाद ग्रुप 2 की प्रिपरेशन करते हैं तो इंस्टीट्यूट आपको बोलती है पेपर 11 पढ़ो और वो है इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, अब देखिए दोनों का एक्सपोजर मिल गया आपको. अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स में दोनों का एक्सपोजर मिल रहा है आपको. यहां पर जीएसटी भी आपके सिलेबस में है और आपके सिलेबस में कस्टम भी है. यानी इंटर पास करने के बाद जब आप ट्रेनिंग वाले पीरियड में जाते हैं, चाहे आप सीएमए फर्म में ट्रेनिंग करें या इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करें, यहां 2 ऑप्शन है. सीएमए फर्म में आप ट्रेनिंग कर सकते हैं और या फिर इंडस्ट्री में ट्रेनिंग कर सकते हैं. जहां भी आप ट्रेनिंग करेंगे, आपका जब इंटर क्लियर हो चुका है और ट्रेनिंग में जब आप अकाउंटिंग, कॉस्ट या टैक्स में काम करेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि टैक्स में आपका सारा बेस बना हुआ है, चाहे वो डीटी का हो या आईडीटी का, और आईडीटी में जीएसटी हो या कस्टम. तो ये चीज आपको हेल्प करेगी ट्रेनिंग में. पढ़ाई वाली बात तो आपने कर ली, आप थोड़ा ओपन वर्ल्ड में जाके देखें क्या है इस ट्रेनिंग फेज में, किस तरीके का प्रैक्टिकल काम होता है, जो आपने किताबी बातें पढ़ी इंटर लेवल पे वो कैसे अप्लाई हो रही हैं.
कितनी अप्लाई हो रही हैं, ठीक है, और आपको एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान, जो कि करना मस्ट है। मेरी इस बात को ध्यान रखना, इस वीडियो को हमेशा के लिए अपने पास रखना, रजिस्टर पे हाईलाइट कर लेना कि ये मस्ट प्रोग्राम है आपका, मस्ट टू डू टास्क। विदाउट ट्रेनिंग आई वॉन्ट अपीयर फॉर माई फाइनल एग्जाम्स, चाहे कोई भी कुछ भी कहे, है ना सर। फाइनल में जब आप आते हैं तो अगेन यहां पर आता है आपके सामने ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4। अगेन इंस्टीट्यूट बोलती है यहां पर पेपर 16 पढ़ो डायरेक्ट टेक्स्ट, और यहां पे पेपर 18 पढ़ो इनडायरेक्ट टेक्स्ट। 100-100 मार्क्स के लिए, इंटर में आपके 100-100 मार्क्स के दो पेपर हैं और फाइनल में भी 100-100 मार्क्स के दो पेपर हैं, ठीक है। आपके सामने ये इंस्टीट्यूट का पोर्टल है, 2016 सिलेबस, 2022 सिलेबस बोल के इंस्टीट्यूट ने अनाउंस किया है। आना तो था सिलेबस 2020, लेकिन कोविड के कारण अब वो बन चुका है सिलेबस 2022, जो कहीं ना कहीं अगर आया भी, अभी तक आने की बात चल रही है, आया भी तो उसका पहला अटेम्प्ट जो होगा वो 2023 में होगा। तो दूर दूर तक हमें अभी नए सिलेबस से कोई वास्ता नहीं है। सर ये जो सिलेबस है आपका 2016 सिलेबस, जिसकी आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये आपको इसके एग्जाम देने 2024 दिसंबर तक मिलेंगे, तो घबराने की तो जरूरत आपको है ही नहीं, है ना। और देखिए यहां पे पेपर 7 है डायरेक्ट टैक्स, ग्रुप 1 का पार्ट है ये, और यहां नीचे पेपर 11 है इनडायरेक्ट टैक्स, जो ग्रुप 2 का पार्ट है इंटर में। अगर हम फाइनल में जाते हैं तो फाइनल में देखिए ये पेपर 16 है, ग्रुप 3 का पार्ट है पेपर 16, डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। मैंने क्या बोला, डायरेक्ट टैक्स में एक एरिया और स्टार्ट हो जाता है इंटरनेशनल टैक्सेशन, लेकिन कहां, फाइनल में, ठीक। और फाइनल में आप नीचे जाते हैं तो पेपर 18 इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो कहीं ना कहीं सर एक हो कि फाइनल में टैक्स ना हो, एक हो कि फाइनल में टैक्स ना हो, इंटर में ग्रुप 2 में टैक्स ना हो, तो मैं आपको कहूं सीरियस मत रहो, किसी तरह काम चला लो, पास कर जाओ। जैसे मैथ से बच्चे डरते हैं, राइट, ग्रेजुएशन करते समय मैथ्स आता है, या फिर आप फाउंडेशन इंटर फाइनल में जब फाउंडेशन में रहते हैं तो आपके सामने सीधा मैथ का पेपर आता है, और बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट बोलता है कॉमर्स स्टूडेंट कि मुझे मैथ का पेपर से बड़ा डर लगता है। सी हालांकि आजकल के बच्चे 11 12th में एक्स्ट्रा में मैथ्स लेके रखते हैं तो मैथ से नहीं डरते उतने, लेकिन कभी कभार बच्चे बोलते हैं हमारे को तो मैथ समझ में ही नहीं आती है। तो से अगर आप बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स समझ में नहीं आता है या टैक्स आपको समझ में नहीं आता है, तो प्लीज आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपको टाइम देना पड़ेगा। देखो समझ में नहीं आता है मतलब क्या है, आप टाइम नहीं दे रहे हैं। जब मैं आपको टाइम दे रहा हूं, मैंने क्या कहा, अगर आप किसी दूसरे टीचर के लेक्चर में रहते डेमो लेक्चर में, तो पहले लेक्चर में आपको स्लैब रेट सिखाया जाता है, हाउ टू कंप्यूट टैक्स फॉर एन इंडिविजुअल। मैं नहीं सिखाता हूं, मैं तीसरी या चौथे लेक्चर में सिखाऊंगा आपको, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, मुझे पहले आपको थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक एक ओवरव्यू और एक प्लान देना है मुझे आपको, क्या आप इस पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए रेडी हैं कि टाइम पास करना चाहते हैं। सर मेरा पूरा ध्यान, क्या आपका पूरा ध्यान पेपर 5 में है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्या आपका पूरा ध्यान पेपर 8 में है कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपका पूरा ध्यान क्यों है, क्योंकि आप 11th से अकाउंट्स को पढ़ रहे हैं। बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट आप बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट, आई शुड बी एक्सपर्ट इन कॉस्ट, चलो पेपर 8 पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। आप पेपर 7 को पढ़ना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, टाइम ही नहीं देना चाहते। आपको आज एक्स्ट्रा पढ़ना है, आप पेपर 5 पढ़ रहे हो, आपको आज एक्स्ट्रा पढ़ना है पेपर 8 पढ़ रहे हो, तो सर पेपर 7 कब पढ़ोगे। नहीं सर टैक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो कहां कहां भागोगे टैक्स से। पेपर 7 में आपको इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है तो क्या पेपर 11 आपको छोड़ देगा। और चलिए किसी तरह आपने इंटर निकाल भी लिया तो फाइनल में जो पेपर 16 है और पेपर 18 है वो आपको छोड़ देगा। आप किसी से भी पूछ लीजिए, अपने सीनियर से, मैं तो पढ़ाता हूं, मैंने क्या कहा, आज के दिन पेपर 11 और पेपर 18 की हमारी रिकॉर्डिंग हमने बंद कर रखी है, इसलिए हम अभी सेल नहीं कर रहे 2022 के एग्जाम्स के लिए, फिलहाल हम इंक्वायरी हैंडल नहीं कर रहे, लेकिन हम पेपर 7 और पेपर 16 तो पढ़ा ही रहे हैं डायरेक्ट टैक्स, जिसकी रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट हो गई है। लेकिन आप अपने सीनियर से या फाइनल के किसी भैया और स्टूडेंट से पूछिएगा कि ग्रुप 3 में सबसे हार्ड पेपर कौन है, खुद ब खुद उनके अंदर से उनकी आत्मा
और अंदर से एक आवाज आएगी डायरेक्ट टेक्स्ट की। आपको सिंपल पूछना है किसी से भी, ग्रुप थ्री का सबसे हार्ड पेपर भैया चार में से कौन सा है। ग्रुप थ्री में चार पेपर हैं, पेपर 13, 14, 15 और 16। पेपर 16 है डायरेक्ट टैक्स, इसके अलावा दो प्रैक्टिकल पेपर और हैं वहां पे, SCM और SFM, और एक लॉ का पेपर है। आपको खाली ये पूछना है कि इस चार पेपर में सबसे हार्ड फाइनल में कौन सा पेपर है भैया ग्रुप थ्री के बारे में। दुखती नस में हाथ रख दोगे, आवाज आएगी डायरेक्ट टैक्स। क्यों? शायद वही कि उन्होंने इंटर में सीरियसली इस पेपर को नहीं लिया, सीरियस नहीं थे। सर जब आप इंटर में टैक्सेस के बारे में सीरियस नहीं रहोगे तो आपका पेपर 7 पेपर 11 दोनों खराब होंगे, और ट्रेनिंग में भी अगर आपको टैक्स में काम करने के लिए मिलेगा तो फिर आप काम करना नहीं चाहोगे, या हो सकता है आपको काम करने मिले ही ना क्योंकि आपका स्कोर ही नहीं था अच्छा। आप किस बेसिस पे ट्रेनिंग लोगे? सीएमए इंटर के रिजल्ट के बेसिस पर। सीएमए इंटर में क्या दिखाओगे? इस पेपर में इतने मार्क्स, इस पेपर में इतने मार्क्स, इस पेपर में इतने मार्क्स। जब आपका डायरेक्ट टैक्स में स्कोर कम रहेगा तो हो सकता है ट्रेनिंग में आपको टैक्स में काम करने का अपॉर्चुनिटी मिले ही ना, और मिले तो आप करना ही ना चाहोगे क्योंकि आप पहले अच्छे से पढ़े ही नहीं। तो अपने आप आपका फाइनल में उन दोनों पेपर में तैयारी खराब हो जाएगी। और सर एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट टैक्स आपका एक एरिया होना चाहिए जॉब या प्रैक्टिस का। हाँ, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में सीएमए को इनडायरेक्ट टैक्स में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्ट टैक्स में कम है। एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट सीएमए को इनडायरेक्ट टैक्स में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स। और ट्रेनिंग फेज में भी आप जीएसटी का काम तो कर लेते हो ट्रेनिंग में, लेकिन डायरेक्ट टैक्स पे बहुत कम काम करने को मिलता है। आज के दिन जो मैक्सिमम काम कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स से रिलेटेड, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कर रहे हैं, सीए बेस्ड फर्म्स कर रही है। लेकिन आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सीएमए लोग भी कर रहे हैं काम, लेकिन उन्हें एक लॉ में रेस्ट्रिक्शन है, मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगा। इनकम टैक्स एक्ट में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जिनके कारण सीएमए को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, अदरवाइज सीएमए भी कर सकते हैं काम, राइट? तो कम से कम देखो, काम मिलना और नहीं मिलना वो तो फ्यूचर की बात है। हो सकता है जब आप फ्यूचर में फाइनल में जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, आप ढूंढेंगे फर्म को, और हो सकता है जब आप सीए में बने और तब आप जॉब ढूंढें या अपनी प्रैक्टिस में आए तो हो सकता है डायरेक्ट टैक्स में काफी काम मिलने लग जाए कॉस्ट अकाउंटेंट को। लेकिन जब आप पढ़ेंगे ही नहीं अच्छे से तो फ्यूचर में काम कैसे करेंगे? आज नहीं अपॉर्चुनिटी, चार साल के बाद तो हो सकती है, हो पांच साल के बाद तो हो सकती है, हो अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट टैक्स के अंदर सीएमए को काम करने की, तो उसके लिए पढ़ाई तो अभी से करनी होगी। तो मैं सिर्फ देखो, मैं ये कंपैरिजन आपको जो आधे घंटे से कर रहा हूं, पिछले आधे घंटे से मैं ये जो कंपैरिजन कर रहा हूं, इंडिया का टैक्स सिस्टम में दो ही मेजर टैक्स सिस्टम है, दो ही टैक्स सिस्टम है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सीएस करेंगे तब भी ये दो पढ़ते हैं, सीए करेंगे तब भी ये दो पढ़ते हैं, सीएमए कर रहे हैं तब भी ये दो पढ़ना है। आप जनरल एक ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें भी दो ही टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। कहीं भी आप रहेंगे सीए सीएमए सीएस ग्रेजुएशन, आपको यही टैक्सेस सिखाए जाते हैं, इनकम टैक्स, कस्टम और जीएसटी। और आपका कोर्स कितना बैलेंस है, इंटर में भी पढ़ो फाइनल में भी पढ़ो, तो यू कैन नॉट, यू शुड नॉट, आपको टैक्स पेपर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जितना टाइम आप, सर मेरी भी क्लास आपने परचेज की, आपने अकाउंट्स की क्लास भी परचेज की और आपने कॉस्ट की भी क्लास परचेज की, और मान लो हम सभी टीचर ने आपको क्लासेस भी दे दी हैं और हम सभी टीचर ने आपको किताब भी दे दी है, लेकिन आप डेली अकाउंट्स पढ़ रहे हो, डेली कॉस्ट पढ़ रहे हो, लेकिन टैक्स को डेली पढ़ ही नहीं रहे हो। मेरी क्लास ऐसे ही आपके पास अवेलेबल है। एक होता है कि मेरी क्लास एक एक करके आ रही है, मान लो मेरी क्लास सप्ताह में चार आ रही है और आप चारों पढ़ रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी 50 क्लास आपके पास आके रखी हुई और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, जब भी आपको पढ़ने का मन कर रहा है कॉस्टिंग पढ़ रहे हो, अकाउंट्स पढ़ रहे हो, तो फिर डायरेक्ट टैक्स में कैसे स्कोर करोगे? और स्कोर नहीं करोगे तो फिर ट्रेनिंग में काम कैसे करोगे? और ट्रेनिंग में काम नहीं करोगे तो फिर फाइनल में तो आप भी बोलोगे दूसरों को कि सबसे हैवी, सबसे भारी और सबसे हार्ड क्या लगता है, पेपर 16। एक बार किसी भी सोशल मीडिया पे किसी भी सीनियर से जब आप चैट कर पाओ या मिल पाओ, या आप अपने ही रेस्पेक्टिव किसी भी टीचर से पूछो इन जनरल इन कैजुअल कि सर क्या फाइनल में ग्रुप थ्री में चार पेपर, सर में कौन सा पेपर हार्ड है, एक बार मुझे
जानना है सर, कैसे पता चलेगा? छोड़ो मेरे, मैंने बता दिया, आप किसी भी फैकल्टी से जो पढ़ाई कर रहे हो या फाउंडेशन में आप पढ़े हो या सीनियर या कॉस्ट अकाउंटेंट, आप इन जनरल 10 लोगों से पूछना कि सर भैया क्या आप मुझे बता सकते हैं ग्रुप 3 के 4 पेपर में सबसे हार्ड पेपर कौन है? 10 लोगों से पूछना है और ऑलमोस्ट 7 से 8 लोग आपको डायरेक्ट टैक्स का नाम बोलेंगे। बस आपको डीटी अभी से अच्छे से पढ़ना है, ये बात ध्यान रखना, नहीं तो आप भी आगे हार्ड ही बोलोगे अपने जूनियर्स को और आपको भी हार्ड ही लगेगा। फैक्ट है, सच्चाई है, ये सच्चाई है। अगर आपको अपना, देखो सिर्फ इंटर क्रैक करना है तो कैसे कर लो क्रैक, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपको इंटर क्रैक करना है, ट्रेनिंग अच्छे से करनी है और फाइनल भी पास करना है, ट्रेनिंग तो चलो ट्रेनिंग में डायरेक्ट टैक्स का काम ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन आपको इंटर और फाइनल तो अच्छे से क्रैक करना है, ठीक, तो आपको थोड़ा सा शुरू से ही अच्छे से पढ़ना होगा। मैं इतना टाइम नहीं देता अगर आगे टैक्सेस का कोई पेपर नहीं होता, लेकिन 100 फिर 100 ग्रुप 2 में, फिर ग्रुप 3 में 100, फिर ग्रुप 4 में 100, इतनी बार टैक्सेस का सिलेबस आपके सामने आ रहा है ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 में, तो अच्छे से पढ़ना स्टार्ट तो करोगे। इसमें भी 70 मार्क्स लाने का टारगेट रखना है, 80 मार्क्स लाने का टारगेट रखना है सर। बाकी आपको मेरी वॉल्यूम मिली होगी, वॉल्यूम 1, आपको ये मेरी वॉल्यूम 1 मिली होगी, CMA इंटरमीडिएट 19th एडिशन। अगर आप YouTube पे क्लास देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, हाँ YouTube वाले बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां काफी कुछ मिलेगा। लेकिन जो हमारे यहां रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको ये बुक मिली होगी फ्री शिपिंग के साथ, हार्ड कॉपी के साथ। आपने हमारे यहां रजिस्ट्रेशन ले रखा होगा सर। जो बेस्ट पैकेज है हमारे यहां वो है गूगल ड्राइव डाउनलोड लिंक और हार्ड बुक फ्री शिपिंग वाला पैकेज। पेनड्राइव वाली क्लास में ना जाइए, बोला सर हमारे यहां नेटवर्क बहुत स्लो है, तो एक क्लास एक दिन में डाउनलोड कीजिए और देखिए, कोई स्लो नहीं। आप एक साथ 20 क्लास को डाउनलोड करेंगे तो दिक्कत आती है, एक क्लास एक दिन में डाउनलोड करके देखनी है, रात में डाउनलोड पे लगा दीजिए, सुबह देख लीजिए कैसा भी नेटवर्क हो आप देख लेंगे बड़े आराम से। पेनड्राइव क्लास में रजिस्ट्रेशन न लेके, मजबूरी है आपकी पेनड्राइव क्लास में लेना ही चाहते हैं तो ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जो बेस्ट सिचुएशन है वो गूगल ड्राइव डाउनलोड लिंक क्लास विथ फ्री शिपिंग ऑफ हार्ड बुक। ये बुक आपको मिली होगी, आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपका यहां पर लिस्ट में नाम भी आ जाएगा। अभी तक हमारे यहां से 28 रैंक होल्डर्स हैं, कुछ इसमें से CA के हैं, कुछ CMA इंटर के हैं, कुछ CMA फाइनल के हैं और कुछ बच्चों के तो डबल डबल रैंक हैं, जैसे मोहित गर्ग इसमें 2 बार आ रहा होगा, उसका इंटर में भी रैंक है, CMA इंटर और CMA फाइनल में भी रैंक है। अरुण शेखर इंटर में भी रैंक है, फाइनल में भी रैंक है। सोनू सिंह इंटर में भी रैंक है, फाइनल में भी रैंक है। तो इन्होंने कुछ तो प्लानिंग की होगी, कुछ तो इन्होंने स्ट्रैटेजी ली होगी, तभी तो इनके डबल डबल रैंक आ रहे हैं बैक टू बैक। हमारे यहां का सबसे पहला रैंक 2013-14 के आसपास, 2013 और 2014 के आसपास सबसे पहला रैंक आया था AIR 11 फिरोज खान, सबसे पहला रैंक हमारी कोचिंग का AIR 11 फिरोज खान, ठीक है। और सर आप रैंक लिस्ट में आ सकते हैं, आपकी प्लानिंग आपकी मेहनत, और नहीं तो आप हमारे यहां से टारगेट ले लीजिए। नीचे देखिए नंबर दे रखे हैं, हमारे यहां की अभी तक की जो इंटरमीडिएट की हाईएस्ट स्कोर आ रखे हैं डायरेक्ट टैक्स में 87 मार्क्स आ रखे हैं जिनाब राजा, ये स्टूडेंट अभी हमारे यहां IDT और OMSM पढ़ रही है, ठीक है। इसका ग्रुप 2 का एग्जाम है दिसंबर 2021 में और वहां भी इसने कहा है कि सर मैं आपके यहाँ की टॉप स्कोरर बनूंगी, और इसके लिए हमने यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर का एक लिस्ट बना रखा है कि भैया लो ये लो टारगेट, हमारे यहाँ के हाईएस्ट स्कोरर हैं CA के CMA के इंटर के फाइनल के, इससे ज्यादा ले आओ। तो सर काफी अच्छे अच्छे मार्क्स और रैंक हमारे पास आ रखे हैं, बुक में ऑलरेडी ये रिजल्ट दे रखे हैं ताकि आप मोटिवेट हो सके, है ना, और वो इन्हीं सब प्लानिंग का एक आउटकम है। अगर आप अच्छे से प्लान करके पढ़ाई करते हैं तो आप भी जरूर सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। इस क्लास में मैं और ज्यादा कुछ नहीं बता रहा, मैंने पहले ही कहा कि आज की क्लास में टेक्निकल पढ़ाई कुछ भी नहीं होनी, ठीक।
अगली क्लास में भी शायद टेक्निकली हम कोई चैप्टर स्टार्ट ना करें, हो सकता है ये इंट्रोडक्शन क्लास वन और अगली क्लास इंट्रोडक्शन क्लास टू बने, डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है, सारी क्लासेस को सिक्वेंस में देखना है। और देखो, हमारे यहाँ आप ना जो क्लास ले रहे हो वो आप जो बेस्ट वे है, गूगल ड्राइव डाउनलोड लिंक, गूगल ड्राइव डाउनलोड लिंक। अब इसमें आप अनलिमिटेड व्यू ले लो, अनलिमिटेड व्यू ले लो, और या फीस कम करा के दो व्यू ले लो, आपकी मर्जी। लेकिन इसके साथ जो आपको लेनी है वो क्या लेनी है, फ्री शिपिंग ऑफ हार्ड बुक्स। ठीक, जो बच्चे YouTube पे क्लास देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर हमारी टीम के कॉन्टेक्ट डिटेल्स होंगे, अगर आप बच्चे YouTube पे इस क्लास को देख रहे हैं तो। ठीक है, और एक बार टीम से जुड़ गए तो उसके बाद टीम से जब आप रजिस्ट्रेशन लेंगे, टीम से जुड़ेंगे तो आप मेरे से भी जुड़ जाएंगे। मेरा नंबर आपको रजिस्ट्रेशन लेने के बाद ही मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। ठीक है, बच्चे कभी कभार कंडीशन डाल देते हैं कि हम सर से बात करके ही एडमिशन लेंगे, तो उसमें हमारी टीम और आपको बात नहीं कराती है कि नहीं कराऊंगा सर से बात, अब बताओ एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। बच्चे भी जिद्दी होते, नहीं पहले सर से बात कराओ फिर हम एडमिशन लेंगे। और वहां पे मैंने ही खुद अपनी टीम को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि अगर ऐसा कोई कंडीशन डाले तो उस बच्चे से बात ही मत कराना। अब सबका अपना अपना तरीका है। ठीक, सारी बातें तो आपके सामने रख दे रहा हूं, YouTube पे अगर आप डिसाइड कर रहे हैं तो सारी बात जो भी आप मेरे से एज अ टीचर जानना चाहते हैं सब तो मैं खोल खोल के बता रहा हूं यहाँ पे, और क्या बात करोगे। बच्चे बोलते हैं नहीं, हमने कॉस्टिंग के एडमिशन लेते समय वहां कॉस्टिंग वाले सर से बात की थी, इसीलिए डायरेक्ट टैक्स में भी सर से बात करेंगे, तो वो कंपैरिजन बच्चों के एक मन में रहता है। कोई नहीं, रखो ये वाला, आप ऑफर में एडमिशन लीजिए, चाहे आपका जून में एग्जाम हो या दिसंबर 2022 में एग्जाम हो। ठीक, आगे की क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा काफी और चीजें। फिलहाल आपका जो सिलेबस है, आप जून या दिसंबर 2022 में जब एग्जाम देते हो तो आपका जो सिलेबस है, इन सब के बारे में मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा, आपका सिलेबस जो है वो फाइनेंस एक्ट 2021 है। आपका जो असेसमेंट ईयर है, आज की क्लास में ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, इन सब के बारे में अगली क्लास में बताऊंगा। आपका जो असेसमेंट ईयर है वो 2022-23 है। आपको जो हमारे यहां से बुक मिलेगी वो 19th एडिशन की बुक मिलेगी। ठीक है, इन सब के बारे में अगली सेकंड सेशन में, सेकंड सेशन भी इंट्रोडक्शन का ही एक से समझे कि पार्ट भी रहेगा। काफी सारी बातें आज नहीं बता पाया, क्लास ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता मैं आज की पहली क्लास, लेकिन हाँ मैंने कहा कि आपको मैं कंफर्टेबल बनाऊंगा, थोड़ा सा मैंने कंफर्टेबल बनाया आपको आज की क्लास में, ग्रुप वन ग्रुप टू की प्लानिंग को लेके थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाया कि डायरेक्ट टैक्स को आपको थोड़ा अच्छे से सीरियस होके पढ़ना पड़ेगा। जितना वेटेज आप ग्रुप वन में दे रहे हैं अकाउंट्स को या कॉस्ट को, उतना ही इक्वल वेटेज आपको डायरेक्ट टैक्स को भी देना पड़ेगा, क्योंकि आगे लंबी लड़ाई है ग्रुप टू में, ट्रेनिंग में, ग्रुप थ्री में, ग्रुप फोर में, पोस्ट सीएमए ऑल्सो। इग्नोर नहीं करना है सेइंग कि सर डायरेक्ट टैक्स में तो अपॉर्चुनिटीज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को है तो हम क्यों पढ़ें, ऐसा नहीं करना है आपको। इस ऐसे नहीं करना, अपॉर्चुनिटी आज कम है, 5 साल के बाद नोबडी नोज इफ यू आर डूइंग, इफ यू आर परसुइंग दिस कोर्स। ठीक है, अगर आप आज से 5 साल के बाद अपने आप को क्वालिफाइड सीएमए देख के थोड़ा सा यू नो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क करना चाहते हैं तो उसमें एक वर्क एरिया आपका डायरेक्ट टैक्स भी है, उसको तो आपको फ्रॉम द बिगिनिंग कंसिडर करना होगा ना, है ना। तो वो आपको मैंने आज थोड़ा सा यहां पे इनपुट देने की कोशिश की है। ठीक, बाकी अगली क्लास में और भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको मुझे आपके सामने बताना है। कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं सीए इंटरमीडिएट का इनकम टैक्स का सिलेबस के साथ, तो वो बताना है। फिर इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज, मेरी बुक्स और मेरे रिसोर्सेज के बारे में आपको बताना है। कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ नोट किए हुए थे जो आज मैं यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, और ये व्हाट इज असेसमेंट ईयर, फाइनेंस एक्ट का क्या रोल है, ये सब बात तो मैं अगली क्लास में आपको बता ही दूंगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। यहां से लिख लीजिए कुछ, यहां अगर कुछ लिखना चाहते हैं। कुछ बच्चों को हो सकता है आज की क्लास में वैल्यू एडिशन ना लगा हो सकता है वो बच्चे पहले से ये सब जानते हो,
है ना। बट अब यू नो सभी बच्चों को साथ में मुझे लेके चलना होगा, थोड़ी थोड़ी बात तो मुझे ये सब बतानी पड़ती है शुरू की क्लास में। आगे जैसे जैसे क्लास जाएगी ये सब कॉमन बातें कम होती जाएंगी और पढ़ाई की बातें ज्यादा होती जाएंगी। डन, ये लिख चुके हैं आप। नेक्स्ट, डन। सर जून या दिसंबर में आपका एग्जाम हो 2022 में, तो सिलेबस सेम है, कोर्स सेम है, बुक भी सेम है, फाइनेंस एक्ट 2021, बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट है आपका, जो सिलेबस है वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसमें हर साल अमेंडमेंट्स आती हैं, चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस कौन से पढ़ने हैं आपको फाइनेंस एक्ट 2021 तक के। बाकी इससे रिलेटेड चर्चा थोड़ी सी डिटेल्ड में मैं अगली क्लास में भी आपके साथ करूंगा। इंस्टीट्यूट का मेटेरियल, इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज, मेरे मेटेरियल, मेरे रिसोर्सेज को सबको साथ में कनेक्ट करूंगा आपके साथ, है ना, अगली क्लास में। लेकिन बाय, फाइनली बाय।